नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? भाई चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार यूनिक ऑनलाइन गुरु में। और बस हम लोग अब अपनी क्लास शुरू करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि आप लोगों की जो क्लास है, ये क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है मैराथन क्लास, और वो स्टार्ट इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोगों का 4 दिन बाद एग्जाम है, और जब 4 दिन बाद एग्जाम है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इसी के बीच में कुछ सुंदर सुंदर क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं आपके बीच में, सॉल्व कराएंगे यहीं पे हम आपको डायरेक्ट। सिर्फ आईटी टूल्स ही नहीं कराएंगे, आईटी टूल्स, वेब, पाइथन और आईओटी, चारों की डेली आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि ये क्लासेस लगातार चलेंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्लासेस गैप करेंगी, या हम कह सकते हैं कि एक क्लास बाद में एक क्लास ऐसे नहीं, ये क्लासेस मैराथन के रूप में लगातार 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक भी चल सकता है। तो ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू आज से 6 बजे शाम से स्टार्ट हो रही है, और जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाएगा तब तक ये क्लासेस आपके रेगुलर बेसिस पे शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगी और रात को 10 बजे तक चलेगी, ठीक है? वेब डिजाइन का भी चलेगा भाई। तो सबसे एक रिक्वेस्ट है हमारी, जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो भी आपके भूले भटके छूटे फ्रेंड्स हैं उनको एक बार शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि वैसे पुराना लगभग 4 साल का हमारा एक्सपीरियंस जो है वो मैराथन क्लास से 100% सिलेक्शन है। ऐसा आप नहीं, आप अपने सीनियर से कमेंट्स हमारे देख सकते हो, क्लासेस अटेंड करते हैं जो बच्चे, उनसे आप पूछ सकते हो, मैराथन मात्र क्लास से ही वो 100% रिजल्ट अपना ले पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। हाँ गौरव द्विवेदी जी, बिल्कुल हाँ। अच्छा बिल्कुल, तो एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे वीडियो को और शेयर जरूर कर देना ग्रुप में, फ्रेंड्स के पास, सबके। ये मैराथन क्लास है आप लोगों की, और क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चंस है, बस हम लोग देखते चलेंगे, सीखते चलेंगे और बात भी करते चलेंगे, ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन है कि द मेन सर्किट बोर्ड इज कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कि कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? सबसे पहला आंसर है आपका रैम, दूसरा आंसर है सीपीयू, तीसरा आंसर है मदरबोर्ड, और चौथा आंसर है ऑल ऑफ एबव। क्या होगा बताओ भाई, कमेंट कर। देखो जितना जल्दी आप कमेंट करोगे, पाइथन की क्लास चलेगी आपकी, ठीक है? चलो, पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है सीपीयू, तीसरा है मदरबोर्ड, और चौथा है ऑल ऑफ एबव। क्या होगा हमारा आंसर, जल्दी से कमेंट करो भाई, फटाफट सभी लोग जल्दी कमेंट करो। हाँ चलिए भाई, तो क्या होगा आंसर जी हमारा? डी सी डी सी डी बता रहे हैं भैया, सी डी कहाँ कर रहे हो? मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा कहा जाता है? अबे भाई मेरे, जहां बोर्ड का नाम आ रहा है वहां एक ही बोर्ड होता ही है भाई। कंप्यूटर के अंदर 75 बोर्ड तो होते नहीं है, कंप्यूटर के अंदर सिर्फ एक बोर्ड होता है, वो बोर्ड आपका होता है मदरबोर्ड। कौन सा होता है वो बोर्ड आपका होता है? मदरबोर्ड। यानी कि इस मदरबोर्ड की बात करें तो कंप्यूटर का ये मुख्य घटक होता है, भी इसी में सारे चीजें अवेलेबल होती है, सारी चीजें आपकी इनबिल्ड होती है, मतलब जो भी चीजें आप कंप्यूटर में देख पाते हो, जो भी चीजें आप कर पाते हो, एवरीथिंग इज इनबिल्ड ऑन मदरबोर्ड।
वो मदरबोर्ड के अंदर ही पाया जाता है, कहीं बाहर से नहीं होता। ध्यान रखना इस चीज को। बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट 10100011 फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। हमें ये बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी क्या होता है और डेसिमल क्या होता है, इसकी वीडियोस मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं, आप लोग जा करके पढ़ सकते हो। बात समझ में आई? बिल्कुल जी। और इसका जो आंसर होगा उसको कैलकुलेट करके आप लोग हमें कमेंट में करेंगे, क्योंकि इसको हम सॉल्व कराएंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, इसको इसका वैसे जो हमारा आंसर होगा उसको आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर दूसरे का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी कमेंट करके सभी लोग हमें इंफॉर्मेशन देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर डिस्टिंग्स इट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। कंप्यूटर की कौन सी विशेषता इसे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से अलग करती है, बताओ। बहुत सारे बच्चों का आंसर आने लगा, भाई इसका आंसर दूसरा होगा। अरे वाह, कौन भेजा है भाई? आरके शॉर्ट्स ने भेजा है, आकाश कुमार ने भी सही भेजा है। सही है भाई, मेहनत कर रहे हो। सही आंसर आपने बताया, इसका आंसर दूसरा होगा। चलो इसको देखो, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर डिस्टिंग्स इट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। कंप्यूटर की कौन सी विशेषता इसे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से अलग करती है, कौन सी ऐसी विशेषता है जो कैलकुलेटर से अलग कर देती है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा एक्यूरेसी, दूसरा ऑप्शन है वर्सटाइल, तीसरा ऑप्शन है स्टोरेज, और चौथा ऑप्शन है ऑटोमेटिक। क्या होगा जी, जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट। तीसरे का आंसर क्या होने वाला है? पप्पू जी बता रहे हैं कुरेशी, काव्य शुक्ला बता रहे हैं, पुरेशी, प्रदीप जी, सब लोग बता रहे हो भाई। और जब सब लोग बता रहे हो सकता है भाई सही हो, हम कितने लोगों की बात काटेंगे। बिल्कुल सही है, जो इसका आंसर होगा वो आपका एक्यूरेसी होगा। थोड़ा ब्राइटनेस कम रखिए। हाँ, एक्यूरेसी ही होने वाला, और कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज। चलो बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से एक इंपैक्ट प्रिंटर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपैक्ट प्रिंटर। इसमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है, बताओ जल्दी जरा। इसमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जो डायरेक्टली हमें पेज पे इंपैक्ट करे, जो इंपैक्ट देता हो, दैट इज द इंपैक्ट प्रिंटर। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इंपैक्ट प्रिंटर है? देखो भैया, लेजर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स और नन ऑफ दिस। वैसे मैं एक चीज बता दूं आपको कि प्रिंटर जो होता है आपका, वो बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है इंपैक्ट और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट, यही होता है शायद। ठीक है, और इंपैक्ट के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका डॉट मैट्रिक्स और दूसरा होता है डेसिबल। बात समझ में आई? कौन सा होता है? एक तो होता है डॉट मैट्रिक्स और दूसरा होता है आपका डेसिबल। तो इसमें डॉट मैट्रिक्स अवेलेबल है या डेसिबल अवेलेबल है, ये मुझे कमेंट करके आप आंसर बताएंगे विद इन 30 सेकेंड। जल्दी से कौन सा अवेलेबल है भाई? देखो भैया, हम अंग्रेजी थोड़ी बहुत जानते हैं तो बता दें आपको कि भाई ये दोनों होने वाला नहीं है। एक्चुअली में जो होगा वो होगा आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कितना होगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा। बात समझ में आ गई?
क्या होगा जी? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा। चलो बहुत अच्छी बात है, इतना क्लियर होगा। प्रिंटर का फॉर्मेट ही मैं बना देता हूं, इसके भी आपके तीन ऑप्शंस होंगे, लेजर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा और थर्मल प्रिंटर होगा। तीन टाइप इसके भी होते हैं, कौन कौन से? लेजर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा और थर्मल प्रिंटर। तीन प्रिंटर नॉन आपके नॉन इंपैक्ट के भी होते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये प्रिंटर का पूरा कॉन्सेप्ट ही मैं आपको समझा दे रहा हूं, ताकि और भी क्वेश्चंस भविष्य में प्रिंटर से बने तो समस्या ना हो। बात समझ में आई जी? बहुत सुंदर, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई, फिफ्थ नंबर चलते हैं। क्या कह रहा है? द बाइनरी नंबर, फिर बाइनरी नंबर, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया, जल्दी सॉल्व करेंगे फटाफट। द बाइनरी नंबर 1110 इज इक्वल टू द डेसिमल नंबर, ये संख्या जो है 1110 दशमलव संख्या के बराबर है क्या? 3 होगा, 1 होगा या फिर 7 होगा या 14 होगा? आपके पास 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड के अंदर आप हमें बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। द बाइनरी नंबर 1110 इज इक्वल टू द डेसिमल नंबर 3, 1, 7 या 14, क्या होगा? जल्दी कमेंट करो भाई, फटाफट जल्दी कमेंट करो, क्योंकि क्वेश्चन हम बहुत शानदार लेके आए हैं। ये समझ लो आप, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ताकि इससे सुंदर क्वेश्चन को YouTube पे देगा ही नहीं आपको, सुंदरता के मामले में एकदम है। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, कुछ लोग बता रहे हैं 7, कुछ लोग बता रहे हैं 14, तो पांचवें का क्या होगा भाई? मुझे भी ऐसा लग रहा है ये होने वाला है 14। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर होगा क्या? 14। ध्यान रखना इस चीज को, सॉल्व करके देख लेना भाई। अब देखो इतना आसान क्वेश्चन दे दिया है कि हम सदमा में हैं। नंबर इज बेस्ड 8 आर्कड, आधार 8 की संख्या किसकी कहलाती है? ऑक्टल की, हेक्साडेसिमल की, डेसिमल सिस्टम की या फिर बाइनरी की? जल्दी बताओ भाई, ऑक्टल होगा 8, किसका है पावर भाई? जल्दी बताओ किसका पावर होने वाला है? ऑक्टल का होगा, हेक्सा का होगा, डेसिमल का होगा या बाइनरी नंबर सिस्टम का होगा? जल्दी कमेंट करो सभी लोग। देखो एक क्वेश्चन पे 30 सेकेंड्स देना है, इससे ज्यादा नहीं। हाँ जी, अरे वाह, चल भैया सबका आंसर चकाचक आ रहा है एकदम, ऑक्टल 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 ऑक्टल, मान लो भैया ऑक्टल सबको पता है। अच्छा हेक्साडेसिमल का क्या होता है भाई? हेक्साडेसिमल का पावर क्या होता है? जल्दी कमेंट करो फटाफट। और डेसिमल का क्या होता है और बाइनरी नंबर के अंदर क्या आता है? तो पहले आप हेक्सा का बताइए, फिर हमें डेसिमल का बताइए, फिर हमें बाइनरी नंबर सिस्टम का बताइए, हमें तीनों का आंसर चाहिए। चलो हेक्सा का 16 होता है, ठीक है, डेसिमल का कितना होता है? अच्छा डेसिमल का 10 होता है, चल भाई। अच्छा बाइनरी में क्या आता है? निशा जी ऑनलाइन क्लासेस 6 से 10 चलेंगी? हाँ जी, जीरो वन, वाह भाई बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही आंसर है, सबका 01 आ रहा है, यानी बाइनरी नंबर के अंदर हमारा 01 आता है। वैसे एक क्वेश्चन और बता दे, कंप्यूटर किस चीज को समझता है, कंप्यूटर क्या समझता है? तो भाई कंप्यूटर हमारा सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर को समझने का काम करता है। किसको? बाइनरी नंबर को समझने का काम करता है।
जिसके अंतर्गत जीरो और वन आता है। क्या आता है भाई? जीरो और वन आता है, दो चीज सिर्फ आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सात, विच इज द कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंड्स द प्रोवाइड यूनिक नंबर टू द कैरेक्टर। यहां पे क्वेश्चन बहुत सुंदर आया है, कौन सा वर्ड इनकोडिंग मानक है जो किसी भी वर्ड को अद्वितीय संख्या प्रदान करता है? इनकोड, आस्की कोड, या फिर ENIAC या IBM, जल्दी बताओ मुझे। विच इज द कैरेक्टर इनकोडिंग, कौन से कैरेक्टर की बात कर रहा है? इनकोडिंग स्टैंड टू प्रोवाइड यूनिक नंबर, यूनिक नंबर टू एनी कैरेक्टर्स। क्वेश्चन बहुत शानदार है, थोड़ा सा आपको बताया गया है बस ताकि समझ में आ जाए। हाँ भाई जल्दी बताओ क्या होगा आंसर इसका। सब लोग बता रहे हैं तो हाँ भाई चलो बहुत अच्छी बात है, यानी इसका आंसर टू होने वाला है। चलो ठीक है, मान लिया हमने है आंसर ASCII कोड। लेकिन ASCII कोड का तो आंसर समझ में आ गया, ये ASCII कोड होगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होगा भाई? चलो कमेंट करो, सभी लोग जल्दी से कमेंट करो, ASCII का फुल फॉर्म क्या होने वाला है? जल्दी कमेंट करो भाई फटाफट। हां जी देखो, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस जनरेट कर रहे हैं, इसलिए ताकि उस क्वेश्चन की टॉपिक ही आपको कंप्लीट हो जाए। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। What is the full form of ASCII? American Standard Code for Information Interchange. सही है क्या? कमेंट फटाफट सभी लोग कर दो ताकि याद रहे। चलो आगे बढ़ते हैं, सेवन नंबर हो गया, आठ नंबर, इन लाइनेक्स और यूजर कैन लोड और अपलोड। लाइनेक्स में एक उपयोगकर्ता लोड या अपलोड करता है, जल्दी बताओ मुझे, लोड या अपलोड करता कर सकता है? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कर्नल मॉड्यूल्स, फाइल बेस इनपुट आउटपुट, जल्दी बताओ। लाइनेक्स, लाइनेक्स का क्वेश्चन है और मुझे बताएंगे कि लाइनेक्स के फादर कौन है। दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसे बता दो मुझे, आठ नंबर, जिसका आंसर बिल्कुल सही आंसर आया है, कर्नल मॉड्यूल होगा, क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि इनके पप्पा कौन है, फादर कौन है, पहला चीज, और दूसरा चीज स्टार्ट कब हुआ। दो क्वेश्चन और, पहला क्वेश्चन है फादर कौन है और दूसरा क्वेश्चन है स्टार्ट कब हुआ। सर कंप्यूटर बेसिक पीसी सॉफ्टवेयर क्लासेस कब होगी? 22 तारीख के बाद, 22 तक एग्जाम मैराथन चलेगा, आफ्टर दैट क्लासेस चलेंगे। देखो भाई बिल्कुल सही बात है, मैं आपको बता दूं, दो चीजें हैं। पहली बात तो इनके फादर जो है वो है आपके लाइनेक्स टोरवाल्डस, और जो स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था, 1991 में, बिल्कुल सही बात है। कब स्टार्ट हुआ था ये आपका, 1991 में, क्लियर हो गया। देखो तीन तीन क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है, मजा आने वाला है, ऐसे एग्जाम में भी मजा आएगा। एक्वा यूजर इंटरफेस वाज अपीयर्ड विथ, एक्वा यूजर इंटरफेस किसके साथ दिखाई देता है? विंडोज के साथ, सेल के साथ, मैक ओएस के साथ, या ब्राउन सेल के साथ, किसके साथ ये दिखाई देने का काम करता है, बताओ।
बहुत सुंदर क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा। कारण क्या है ना, बारिश कम हुई है तो नम्र थोड़ा कम है, लेकिन जल्दी बता दोगे तो आगे बढ़ जाएंगे। एक्वा यूजर इंटरफेस वॉज अपियर्ड विथ विंडोज सेल, मैक ओएस या ब्राउन सेल, क्या होगा? नौवे का आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल सही, पप्पू कुमार का आंसर बिल्कुल सही आया है, एकदम झकास आंसर। मैक ओएस के साथ, किसके साथ होगा जी? ये मैक ओएस के साथ हमारा जो है दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंप्लीमेंट मल्टीटास्किंग ट्रूली? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता? विंडोज 98, एमएस डॉस, विंडोज एक्सपी और विंडोज एनटी, क्या होगा हमारा? जल्दी बताओ, फटाफट सभी लोग बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में मल्टीटास्किंग को लागू नहीं कर सकता? विंडोज 98, एमएस डॉस, विंडोज एक्सपी और विंडोज एनटी, क्या होगा आंसर? अरे वाह, आप लोग इतना इतना सुंदर आंसर दे देंगे तब तो कहां जाएंगे हम, हवाओं को रहने दीजिए। क्या होगा भाई दसवें का आंसर? दसवें का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है भाई, एमएस डॉस। क्या है एमएस डॉस हमारा? कारण क्या है कि एमएस डॉस हमारा जो है पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है, ध्यान रखना इस चीज को। बात समझ में आई? हां जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है? मेमोरी को, इनपुट आउटपुट डिवाइस को, प्रोसेसर को या ऑल ऑफ अबव को? ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करने का काम करता है? जल्दी कमेंट करो। जल्दी बताओ भाई, 11 नंबर सबको मैनेज करने का काम करता है, कहां एक को कहेंगे हम लोग? बताओ, दुश्मनी दूसरे से क्यों मोलेंगे? मेमोरी को भी मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी मैनेज करता है, प्रोसेसर को भी मैनेज करता है और ऑल ऑफ एबव। यानी कि हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका ऑल ऑफ एबव होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट 12 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल एंड टैबलेट आर। मोबाइल और टैबलेट के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है? तो भैया विंडोज ओएस भी यूज किया जाता है, मैक डेयर एंड्रॉइड भी यूज किया जाता है, आईओएस भी यूज किया जाता है। यानी कि जो 12वें का आंसर होने वाला है वो होने वाला है 4th, यानी कि ऑल ऑफ अबव। यानी कि एक बात जान लो कि आपके विंडोज ओएस, मैक डेयर एंड्रॉइड ओएस भी यूज किया जाता है, यानी कि आईओएस भी यूज किया जाता है, तीनों इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से इसको हम लोग ऑल ऑफ अबव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। Which of the type page orientation? Page orientation का type क्या होता है? बताओ भाई, protained, landscape या both या slide? क्या होगा आंसर? जल्दी कमेंट करो। Protained, landscape या both या फिर slide? चार ऑप्शन है आपके पास, चारों में से एक पे ठप्पा लगाओ बस, ज्यादा नहीं। एक पिठप्पा लगा दो, कौन सा होगा? बिल्कुल सही बात है, हमारा तीसरा आंसर होगा ए बी बोथ। कारण क्या है कि प्रोटेंट भी होता है, लैंडस्केप भी होता है, तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका बोथ। बात समझ में आ गई? यानी ये हमारा 13 का आंसर होगा। 14 नंबर क्या होगा? विच फंक्शन की इज यूज टू स्पेलिंग? कौन सी फंक्शन की हमारा स्पेलिंग के लिए यूज किया जाता है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है।
कौन सी फंक्शन की हमारे स्पेलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, F7 कंट्रोल प्लस सी, शिफ्ट प्लस सी या फिर कंट्रोल प्लस F7। क्या होगा भाई जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो सभी लोग। बिल्कुल सही आंसर F7 होगा, F7 होने वाला है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बताओ, F12 किसका शॉर्टकट की है, F12 किसका शॉर्टकट की है, जल्दी कमेंट करो सभी लोग, फटाफट कमेंट हमें करके बताएं कि F12 किसका शॉर्टकट की होता है। F12 किसका शॉर्टकट की होता है, बिल्कुल सही बात है, सेव एज का, किसका होता है, सेव एज का। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, F12 सेव एज का होता है। चलो नेक्स्ट, विच की इज यूज टू गो टू सेलेक्ट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इन द लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर के पहली लाइन को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं हम लोग, जल्दी बताओ, होम प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस होम, अल्ट प्लस होम या शिफ्ट प्लस सी, क्या होगा आंसर जल्दी बताओ हमारा, फटाफट बताओ, होम प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस होम, अल्ट प्लस होम और तीसरा शिफ्ट प्लस सी। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, 15 नंबर, होम प्लस शिफ्ट, बहुत अच्छी बात है, हमारा आंसर जो इसका होने वाला वो क्या हो जाएगा, होम प्लस शिफ्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे शॉर्टकट की इज यूज टू यूज फॉर लाइन ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर में हमें लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, बताओ भाई कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग हम लोग करते हैं, जल्दी बताओ फटाफट सभी लोग, कंट्रोल प्लस होम, अल्ट प्लस, कंट्रोल अल्ट प्लस होम, कंट्रोल प्लस इंड, कंट्रोल प्लस एच, क्या होगा आंसर जल्दी कमेंट करो भाई 18 नंबर का, 18 नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, ये शानू शर्मा बता रहे हैं, कंट्रोल प्लस इंड। चल भाई क्या आंसर होगा इसका, कंट्रोल प्लस एंड होगा। ये पीडीएफ आप लोगों को क्लास ओवर होने से पहले ओ लेवल विथ रत्नाकर सर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा विथ आंसर। ठीक है, तो सभी लोग रेडी रहिएगा क्लास होने के बाद पीडीएफ पाने के लिए। आउटपुट ऑफ एक्सपेंशन इज 100/10/2, क्या होगा आंसर, बहुत इजी है, इतना इजी है कि जान लो दू का पहाड़ा अगर आता होगा तो कर ले जाओगे। जल्दी बताओ 19 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ भाई, 100/10 = 10 और फिर 10/2 = 5, यानी आंसर हमारा क्या होगा, 5 भाई, यही तो होगा, कुछ और होगा, इसका आंसर क्या होने वाला है, 5 भाई, 10 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, फिर 10 को 2 से करेंगे तो 5 आएगा, बस बहुत इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, शॉर्टकट इज यूज टू ओपन द फंक्शन विजार्ड ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क, कौन सी शॉर्टकट की फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए लिब्रे ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहला है अल्ट प्लस F1, कंट्रोल प्लस F6, F2 या कंट्रोल प्लस F2, क्या होगा,
जल्दी कमेंट करो भाई। फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे जी। M1 चल रहा है, इसके बाद M2 चलेगा, फिर M3 चलेगा, फिर M4 चलेगा। क्या होगा भाई? अरे वाह, बीसवें का आंसर क्या बता रहे हैं? Ctrl+F2। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हमारा Ctrl+F2 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम, लेटर एंड रो नंबर फॉर सेल इज एन कैल्क स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। देखो भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन मूव किया गया है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम, लेटर एंड रो, कॉलम, लेटर और रो नंबर फॉर द सेल कैल्क स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। सेल अक्रॉस, सेल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सेल रेफरेंस या सेल आइडेंटिटी, किसको हम लोग कहेंगे? 21 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। अरे भैया, सेल रेफरेंस पढ़े हो? आए एक्सेल में या फिर आपके कैल्क में, दोनों में सेल रेफरेंस पढ़ाया जाता है। तो ये जो सेल रेफरेंस है, ये इसी का आंसर है। बात समझ में आ गई? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारा, कीज यूज्ड टू ओपन मैनेज टेम्पलेट इन द लिब्रे ऑफिस कैल्क। कौन सी की हमारा मैनेज ओपन करता है टेम्पलेट लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर? पहला हो जाएगा Ctrl+Shift+N, दूसरा हो जाएगा Ctrl+T, तीसरा हो जाएगा Ctrl+F1 और चौथा हो जाएगा Ctrl+O। क्या होगा आंसर? देखो भैया, जल्दी जल्दी करो, क्वेश्चंस ज्यादा है, समय कम। 22 का आंसर क्या होगा? Ctrl+Shift+N। चल भाई, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात। हमारा आंसर क्या होगा? Ctrl+Shift+N। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब ऑप्शन एंड ग्रुप इज यूज टू डिस्प्ले द कस्टम एनिमेशन टास्क पिन इन पावर पॉइंट बाई चूजिंग एनिमेशन पिन ऑप्शन 2009 में आया था क्वेश्चन ये। निम्नलिखित में से कौन सा टैब विकल्प के विकल्प और समूह एनिमेशन फलक विपल चुनकर पावर पॉइंट में कस्टम एनिमेशन के कार्य फलक प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ट्रांजिशन एडवांस एनिमेशन पहला, एनिमेशन एडवांस एनिमेशन दूसरा, तीसरा होगा स्लाइड शो एडवांस एनिमेशन, चौथा होगा व्यू एडवांस एनिमेशन। क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ, 23 का आंसर क्या होने वाला? बिल्कुल सही आंसर है, 23 का हो जाएगा 2। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? एनिमेशन एंड एडवांस एनिमेशन, क्योंकि इसका देखो पावर पॉइंट से कनेक्शन है। चलो नेक्स्ट। इन पावर पॉइंट अ कंटेंट लेआउट इज अ स्लाइड लेआउट दैट कंटेन वन आर मोर कंटेंट। पावर पॉइंट में सामग्री लेआउट एक स्लाइड लेआउट है जिसमें एक या अधिक सामग्री होती है। चार्ट, डायग्राम, प्लेस होल्डर या फिर टेबल्स। जल्दी बताओ भाई, सामग्री लेआउट की बात कर रहे हैं यहां पे, किसकी बात कर रहे हैं? कंटेंट लेआउट की, जो कंटेन करता है कंटेंट को एक से ज्यादा, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। जल्दी बताओ, 24वें का आंसर क्या होगा? 3। अरे वाह वाह भाई वाह, 3। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेस होल्डर। क्या होगा आपका? प्लेस होल्डर। ठीक है। इन पावर पॉइंट यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट विद इन ए टेक्स्ट बॉक्स और ऑटो स्पेस बाय चेंजिंग इट्स। पावर पॉइंट में आप टेक्स्ट बॉक्स में
टेक्स्ट की स्थिति को बदल सकते हैं या ऑटो सेव को बदल सकते हैं, टेक्स्ट की स्थिति को बदल सकते हैं या ऑटो क्या लिखा है ऑटो सेव को बदल सकते हैं। पहला होगा इंटरनल मार्जिन, टैब सेटिंग, टेक्स्ट एंश्योर और इंडेंट सेटिंग। देखो भाई क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है लेकिन बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। देखो कह रहा इन पावर पॉइंट यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट, आप पावर पॉइंट के अंदर टेक्स्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हो। विद इन इट टेक्स्ट बॉक्स आर ऑटो सेव बाय चेंजिंग इट्स, तो किसमें, इंटरनल मार्जिन के माध्यम से, टैब सेटिंग के माध्यम से, टेक्स्ट एंश्योर पॉइंट के माध्यम से या इंडेंट सेटिंग के माध्यम से, किससे होगा ये जल्दी बताओ। 25वें का आंसर क्या होगा, 25वें का आंसर बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, इंटरनल मार्जिन के माध्यम से। किसके माध्यम से हो जाएगा आपका, इंटरनल, आपके इंटरनल मार्जिन के माध्यम से हो जाएगा ये, ध्यान में रखना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इंटरनल मार्जिन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which software would you use to teach student in the computer class? देख भैया ये कहाँ से क्वेश्चन आएगा, झटकने वाला क्वेश्चन आया है आप लोगों को। कंप्यूटर कक्षाओं में छात्रों को पढ़ाने के लिए आप किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसिंग और पावर पॉइंट, क्या होगा इसका आंसर, थोड़ा सोच के मुझे बताना। जल्दी बताओ 26 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, क्लास में पढ़ाने के लिए हम लोग पीपीटी का प्रयोग करते हैं, जो कि पीपीटी हमारा पावर पॉइंट के अंदर पाया जाता है। चलो नेक्स्ट, यूज एमएस पावर पॉइंट विच लेआउट विल यू यूज टू डिस्प्ले हर चीज ऑफ एम्प्लॉयज इन योर कंपनी। एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग करके आप कर्मचारियों का पदानुक्रम को प्रदर्शित करने के लिए किस लेआउट का प्रयोग करेंगे, चार्ट, टेबल, कॉलम टेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, किसका आप प्रयोग करेंगे भाई। कंपनी के अधिकारियों का जो प्रदर्शन करना रहेगा डिटेल्स, उसका आप किससे प्रयोग करेंगे, चार्ट से करेंगे, टेबल से करेंगे, कॉलम टेक्स्ट से करेंगे या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से करेंगे, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होने वाला है, 27, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं मोनू साहू, फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। भाई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होगा, कारण क्या है मैं बता दूं आपको कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो होता है वो बिजनेस पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस पर्पस से, ध्यान रखना इस चीज को। तो इस वजह से वो कंपनी की डिटेल्स आराम से बता सकता है बिना किसी समस्या के। अर्पानेट स्टैंड फॉर, अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, दोनों एक ही है क्या भाई, हाँ ठीक है। फिर है एस्टिमेटिक रोटिंग प्रोजेक्ट एडवांस नेटवर्क, नन ऑफ ऑप्शन, क्या होगा भाई। अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होने वाला है 28 नंबर का, बिल्कुल सही बात है एक ही होगा। अब 28 का तो एक ही होने वाला है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। चलो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज कॉल्ड, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, क्लाइंट एंड सर्वर, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर्स या नन ऑफ अबव, जल्दी बताओ क्या कहेंगे हम लोग, क्लाइंट एंड सर्वर कहेंगे, सर्च इंजन कहेंगे, वेब ब्राउजर्स कहेंगे या नन ऑफ अबव कहेंगे, क्या कहेंगे।
29 का एक होगा भैया क्लाइंट सर्वर, बहुत अच्छी बात है। इसका जो बड़ा सुंदर आंसर होने वाला है क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट क्या करता है, हमें क्वेश्चन करता है, और हमें सर्वर क्या करता है, रिजल्ट देता है। क्या करता है, तो यही दोनों मिला के इंटरनेट कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30, अ होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड अनदर होस्ट बाय इट। इंटरनेट पर एक होस्ट अपने द्वारा दूसरा होस्ट ढूंढता है, फ्रॉम हिज पोस्टल एड्रेस, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस, फ्रॉम आईपी एड्रेस, नन ऑफ दिस। क्या होगा आंसर हमारा, जल्दी बताओ। तीसरे का आंसर क्या होगा, तीसरे का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, हमारा एड्रेस ढूंढने का काम आईपी एड्रेस करता है। आईपी का मतलब क्या होता है, आईपी का मतलब होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस डिफाइन ढूंढने का काम जो करता है उसको हम लोग कहते हैं ये हमारा एक जगह से दूसरी जगह ढूंढता है। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंड टू एंड लेयर। अरे वाह, एंड टू एंड लेयर किसको कहेंगे हम लोग। 31, जल्दी बताओ भाई, डाटा लिंक लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर को, नेटवर्क लेयर को, या फिजिकल लेयर को, किसको कहेंगे हम लोग। देखो भाई, हम लोग एंड टू एंड लेयर को कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। किसके नाम से जानते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्ट लेयर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफटीपी, यानी कि एफटीपी की अगर हम बात करें तो एफटीपी को हम लोग कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और बिल्ड आर्किटेक्चर P2P, IMRIRC और क्लाइंट एंड सर्वर, क्या होगा हमारा आंसर, जल्दी बताओ हमारा आंसर क्या होने वाला है। हाँ भाई, FTP is build on architecture, P2P, IMIRC, client and server. इसका क्वेश्चन इजी है, बस सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, क्लाइंट एंड सर्वर होगा। किसने आंसर दिया है, ये बहुत सुंदर आंसर दिया है जिसने भी दिया है, क्या होगा, क्लाइंट एंड सर्वर होगा। नेक्स्ट, What is good way to protect sensitive information sent via the email? ईमेल के माध्यम से भेजी गई संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने तथा अच्छा तरीका क्या है? Write another language, keep the message in attachment, encrypt the message, send as a build copy. एक ईमेल के भेजी गई संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? दूसरी लैंग्वेज में लिखने का, अटैचमेंट रखने का, इनक्रिप्ट करने का, या फिर सेंड एज अ बिल्ड कॉपी, क्या होगा। 33, इनक्रिप्ट द मैसेज, बिल्कुल सही बात है, प्रिया ने बताया, पूनम ने बताया कि भाई इनक्रिप्ट द मैसेज, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है। यानी कि इसका आंसर क्या होने वाला है, तीसरा होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Unresolved ticketing system की बात कर रहा है, through app launched by the railway ministry in, railway ministry ने कब unresolved ticketing system को लॉन्च करा था, जनवरी 2019 में, फरवरी 2019 में, जनवरी 2018 में, या none of above। 34 का आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करें। जल्दी कमेंट करो भाई। हाँ
इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, 2014 में लॉन्च हुआ था। फोर्थ होगा आंसर, बात समझ में आई? इनमें से कोई नहीं होगा, कन्फ्यूजियाओ मत, बहुत कन्फ्यूजिया रहे हो। इसका आंसर जो होगा वो नन ऑफ एबव होगा, ठीक है? चलो, टू वॉक इन सी टू सी, यानी कि सी टू सी का मतलब हो गया कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ई कॉमर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड? सी टू सी ई कॉमर्स में काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? वर्ल्ड वाइड वेब, कॉर्पोरेट नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज स्टैंड्स, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लिंक। हमारा आंसर क्या होगा सी टू सी का, जल्दी बताओ। सी टू सी का आंसर क्या होगा भाई? थर्टी फाइव नंबर, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज स्टैंड भाई, EDIS। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा EDIS, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज स्टैंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट होस्ट? कौन सा प्रोटोकॉल हमारा विभिन्न मेजबानों के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट यानी कि टर्मिनल नेटवर्क, और SNMP सिंपल नेक्स्ट मेल प्रोटोकॉल। क्या होगा आंसर भाई? इसका PDF मिलेगा, बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर है भाई। चलो, SMTP होगा भाई, बिल्कुल सही आंसर है। कारण क्या है कि SMTP का जो मतलब होता है वो आपका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट। Which of the following is not a email server? निम्नलिखित में से कौन से एक ईमेल सर्वर नहीं है? Rediff Mail, Outlook, both A and B, and LinkedIn। क्या होगा आंसर हमारा? 37वें का आंसर, कौन सा ईमेल सर्वर नहीं है? Rediff Mail, Outlook, both A यानी 1 और 2, LinkedIn चौथा। क्या होगा इसका आंसर? 37 का आंसर क्या होने वाला है? ठीक है, चलो चार, ठीक है। लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन क्या होता है, क्योंकि जो लिंक्डइन होता है आपका वो हमारा क्या होता है, एक सोशल नेटवर्क सॉफ्टवेयर होता है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बतिया सकते हैं,
और दूसरों को जोड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं आसानी से लिंक्डइन के माध्यम से। तो ये भैया हमारा क्या होता है, मेल सर्वर में नहीं आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट दो क्वेश्चन और देख लो बस। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, जल्दी बताओ, फटाफट सभी लोग कमेंट करो। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नो योर कस्टमर, नो योर कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ द एबव, भी टाइपिंग थोड़ी गड़बड़ है, नन ऑफ एबव, क्या होगा आंसर हमारा, जल्दी बताओ। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होने वाला है, देखो भाई केवाईसी आप लोग अपने पेटीएम का बहुत करवाए उससे पूछ रहा हूं, नहीं तो इतना जोर मैं नहीं देता। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, भाई नो योर कस्टमर, यार यहां कॉमन सेंस लगाने की बात है भाई, यहां कॉमन सेंस लगाने की बात है। चलो हाँ चलो यही देख लो। अच्छा द इंडियन रुपीज सिंबल ऑफिशियली एडॉप्ट इन, इंडियन रुपीज सिंबल रुपए का प्रतीक को आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था, 2009, 2010, 2012, 2015, बताओ भाई जल्दी से कब अपनाया गया था। सब बता रहे हैं 2010 में भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन रुपीज सिंबल्स आर ऑफिशियली अडॉप्ट इन 2010, 2010 में इसे अपना लिया गया था, बड़े प्यार से ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलो ये पीडीएफ अभी आपको 5 मिनट के अंदर आपके टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा, टेलीग्राम चैनल आप लोग जानते हो, सभी लोग ढूंढ सकते हो आराम से, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो कहीं आ गए भाई, एक तो यूनिक ऑनलाइन गुरु को ज्वाइन कर लो आप लोग, और दूसरा ओ लेवल विथ रत्नाकर सर, इसी में जाएगा आप लोगों को। ये इसमें आपको मिल जाएगा ओ लेवल विथ रत्नाकर सर में, आप लोगों को यहां पे मिल जाएगा पूरा कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लो जो लोग भी ज्वाइन नहीं करे हो, और अब स्टार्ट होगी वेब डिजाइन की क्लास, नितिन सर आपके आ रहे हैं घड़ी से देख करके 1 मिनट के अंदर, ठीक है।
नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। और आज से मैराथन का दौर स्टार्ट है और आशा करते हैं कि आप सब तैयार होंगे बच्चों मैराथन के लिए। तो आइए चलिए, आपके सामने मैं अब लगातार एक के बाद एक, आपको मालूम है वो लेवल में चारों पेपर्स हैं और चारों की मैराथन यहाँ पे होने वाली है। तो आईटी का भी अभी खत्म हुआ है आपके क्वेश्चंस का सेट रत्नाकर सर के द्वारा। आगे के सेट्स को मैं ही कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें आईटी भी है, जिसमें आपका आईटी के बाद वेब है, पाइथन होगा और सबसे आखिरी में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों आईओटी को। तो आइए चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर एक, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो डिलीवरी या कहें पैकेट्स को डिलीवर करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि टीसीपी आमतौर पे यूज किया जाता है, किस लेयर पे यूज किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे दो ही मॉडल हैं बच्चों नेटवर्क में, ओएसआई और टीसीपीआईपी। दोनों मॉडल में जो टीसीपी आपका यूज किया जाता है वो आपका यूज किया जाता है ना एप्लीकेशन पे, ना नेटवर्क पे, ना फिजिकल लेयर पे। तो आप में से कोई बताएगा, क्या आप में से कोई बच्चों बताएगा कि इनमें से किसके किस लेयर पर आपका टीसीपी यूज किया जाता है। तो बचा है आपका, बहुत सिंपल है, तीसरा ऑप्शन नंबर तीन, ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज किया जाता है। और आपको मालूम है टीसीपी के बारे में, जान लो कि टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस देता है, रिलायबल सर्विस बच्चों देता है। तो आशा करते हैं यहां तक आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए बच्चों डोमेन नेम संदर्भित करता है, द डोमेन नेम इन एन यूआरएल रिफर्स टू। तो डोमेन नेम में क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोटोकॉल, सर्वर, फाइल का नाम और डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर टू में बच्चों बता सकते हैं आप में से कुछ लोग क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यूआरएल में डोमेन नेम संदर्भित करता है किसको, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो भाई डोमेन नेम आपका रेफर करता है, प्रोटोकॉल को नहीं करता, वो अलग चीज है, फाइल नेम को नहीं करता, फाइल नेम अलग है, डायरेक्टरी अलग है, सर्वर को रेफर करता है। जैसे google.com, तो गूगल यहां पर क्या हो गया आपके बच्चों, सर्वर का नाम होगा, नो डाउट, बिल्कुल कोई इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर होगा सर्वर, यानी ऑप्शन नंबर टू। तीसरा आइए, सेल बेस आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है। ये देखिए नेटवर्क के क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये आपका नेटवर्क का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं। सेल बेस आर्किटेक्चर के रूप में किसे जाना जाता है, लैन को बिल्कुल नहीं जाना जाता, एटीएम को भी नहीं, लैन को बिल्कुल नहीं जाना जाता, ये एफडीडीआई फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस ये भी नहीं है, क्लाइंट सर्वर भी नहीं है, बचा क्या है एटीएम, असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर तीन का बच्चों जो ऑप्शन होगा वो होगा नंबर टू। चौथे प्रश्न की ओर आपको बढ़ाते हुए ले चल रहे हैं बच्चों, टेलनेट क्या है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। आपको मालूम है इंटरनेट की एक सर्विस है बच्चों टेलनेट, इंटरनेट की एक सर्विस है जिसका नाम है टेल, नेटवर्किंग में नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है जुगाड़ मेथड जी, नेटवर्किंग नहीं पढ़ा रहे, इस सेट में कुछ क्वेश्चन नेटवर्किंग के दे दिए गए हैं तो उसी को सॉल्व करा दे रहा हूं। मे बी पॉसिबल है कि इस तरह के प्रश्न भी कुछ आ जाए, मैं मान रहा हूं कि ये प्रश्न आपके नेटवर्किंग रिलेटेड है, आई फुल्ली एग्री विथ यू, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। टेलनेट क्या है बच्चों, रिमोट लॉगिन सर्विस है जो इंटरनेट पे यूज की जाती है, टर्मिनल नेटवर्क नहीं कहते, टेलीफोन नेटवर्क नहीं कहते, टेरेस्ट्रियल नेटवर्क भी नहीं कहते, इसको कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। क्या बोलते हैं, टेलीकम्युनिकेशन। रिमोट लॉगिन में आजकल जैसे टीम व्यूअर या एमवे एडमिन जैसे सॉफ्टवेयर है, वैसे ही आपका बच्चों टेलनेट भी था या है।
एक सॉफ्टवेयर को किसी सिस्टम में बाहरी पहुंच को रोकता है। बाहरी पहुंच माने एक्सटर्नल यूजर्स को क्या करता है बच्चों, रोकता है। क्या बोलेंगे बताइए इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। 5 का करेक्ट आंसर बताइए, गेटवे नहीं रोकता, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम ये भी नहीं कह सकते, एंटीवायरस वायरस को रोकता है, सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट नहीं करता। तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर होगा फायरवॉल। एक्चुअली फायरवॉल नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए आगे बढ़ते हैं। एक वैलिड ईमेल एड्रेस है, बताइए इसमें से कौन सा ईमेल एड्रेस आपका क्या है बच्चों, वैलिड है। आप में से कोई आंसर दे सकता है इसका? तो देखिए vml.@india.com गलत है, एट द रेट पहले होता नहीं है, दो बार लगता नहीं, vrm.india.com इसमें एट द रेट नहीं है, तो चौथा ऑप्शन vrm@india.com आप सब जान रहे हैं बच्चों करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है, 4। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहा हूं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब पब्लिशिंग टूल है, इसमें से आप बता सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, वेब पब्लिशिंग में पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन, तुम्हारे वेब पब्लिशिंग में बच्चों पूछा जा सकता है। आप में से कौन बताएगा, क्या नेविगेटर है, हॉट मेटल है, पेज मिल है या फ्रंट पेज है, बताइए बच्चों, आई एम वेटिंग, कौन होगा इसका आंसर। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निर्मित जो एडिटर है ना, वेब पब्लिशिंग टूल जिसे कहते हैं, जिसके द्वारा हम बहुत सारे वेब रिलेटेड टास्क को करते हैं, वो आपका चौथा होगा, फ्रंट पेज। करेक्ट आंसर आप लोग कुछ लोग दे रहे हैं, बिल्कुल चौथा होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्लिक टू सेव द एग्जिस्टिंग नोटपैड विंडोज, सेव करने में कौन सा ऑप्शन को यूज किया जाएगा, बताएंगे आप लोग, एडिट, सेव, फॉर्मेट या सेव एज। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8वां का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, अगर आप सेव कर रहे हैं किसी विंडो को, एक बात जान लीजिए, अगर आप सेव कर रहे हैं पहली बार, तो आप चाहे सेव पे क्लिक करेंगे चाहे सेव एज पे, दोनों एक ही होता है। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर, सेव। द करेक्ट आंसर इज बच्चों नंबर 2, क्या होगा, सेव पे क्लिक करोगे आप। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नोटपैड एप्लीकेशन में शब्दों के आकार को बदलने के लिए, फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए, बताइए किस पर क्लिक करना पड़ेगा, कोई बताएगा, फॉन्ट पर, वर्ड रैप पर, एडिट पर या व्यू पर। प्रश्न नंबर 9th प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, जवाब दीजिए, फॉन्ट पर। वर्ड रैप लाइन चेंज होता है ऑटोमेटिकली, एडिट आपका चेंजेस के लिए, किसी भी तरह के बदलाव, कट कॉपी पेस्ट के लिए यूज होता है, व्यू के लिए होता है। तो 100% इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन, फ्रंट फॉन्ट। आइए 10 नंबर क्वेश्चन पे। नोट पैड एप्लीकेशन के साथ द गिवन ऑप्शन इज ओपन्ड आफ्टर क्लिकिंग ए मेनू व्हाइल वर्किंग विद नोट पैड एप्लीकेशन, व्हाट इज द नेम ऑफ मेन्यू। नोट पैड एप्लीकेशन के साथ काम करते समय एक मेन्यू पर क्लिक करने के बाद दिया गया विकल्प खुलता है, वो मेन्यू क्या है, बताइए भाई। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10, 10वें का क्या आंसर आपको लगता है। ये है M2R5E बेटा, ये M2R5E है, बट क्वेश्चंस थोड़े से क्वेश्चंस डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। नोटपैड एप्लीकेशन के साथ काम करते समय बताइए क्या होगा, मेन्यू पर क्लिक करते समय विकल्प खुलता है, क्या विकल्प खुलता है भाई नोटपैड के साथ जब आप काम करते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है एग्जैक्टली देखा जाए तो थोड़ा सा मीनिंग से भटक रहा है,
क्योंकि ये चारों ऑप्शंस बच्चों जो दिए हैं, एडिट, फॉर्मेट, फाइल और व्यू, ये सारे आपके क्या है, मेन्यूज हैं। और बेसिकली नोटपैड में सबसे पहला जो मेन्यू है वो फाइल मेन्यू है, जो कि फाइल रिलेटेड ऑप्शंस को ओपन करता है। आपका व्यू है, आपका व्यू नोटपैड में बच्चों मिलेगा नहीं। फॉर्मेट और एडिट ये भी आपका उपलब्ध है। तो इस प्रश्न के साथ बस इतना ही है कि ये ऑप्शंस दिए हैं, इससे ज्यादा नहीं। किसी नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। What will happen if word wrap is not enabled in notepad application? Word wrap क्या होता है आप जानते हो? Word wrap क्या होता है? Word wrap आपका बच्चों ऐसा application है, word wrap आपका ऐसा application है या फीचर है जिसमें कि ऑटोमेटिक जैसे ही मार्जिन समाप्त होता है लाइन चेंज हो जाती है, लेकिन ये नोटपैड में नॉर्मली नहीं है। टाइपिंग ऑफ लेटर विल बी नॉट पॉसिबल, गलत होगा। मेकिंग लेटर्स कैपिटल विल नॉट बी पॉसिबल, गलत होगा। द लेटर विल बी टाइप्ड ए सिंगल लाइन टिल द इंटर की इज प्रेस्ड, बिल्कुल। तीसरा होगा, जब तक कि आप इंटर की प्रेस नहीं करोगे तब तक बच्चों क्या होगा, लाइन बढ़ती चली जाएगी, चेंज नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर होगा तीसरा। आइए आगे बढ़ता हूं, बताइए नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? .txt, .doc, .png या .xml? जवाब दीजिए सब लोग। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा बच्चों? .txt, .txt होगा इसका एक्सटेंशन। वेरी गुड। अगले प्लस पे आते हैं। नोटपैड में किस मेन्यू में केवल दो विकल्प हैं, वर्ड रैप और फॉन्ट? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर तेरह में फॉर्मेट मेन्यू में केवल दो विकल्प हैं बच्चों, वर्ड रैप और तुम्हारा फॉन्ट फीचर। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन को देखा जाए। बताइए नोटपैड मेन्यू बार में कौन सा आइटम नहीं होता? नोटपैड में फाइल भी होता है, एडिट भी होता है, फॉर्मेट भी होता है, कौन नहीं होगा बचा हुआ? नोटपैड में कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 14 है ये। 14 का क्या करेक्ट आंसर होगा? इंसर्ट नहीं होगा, बिल्कुल। फाइल होता है, एडिट होता है, फॉर्मेट भी होता है बच्चों। नोटपैड मेन्यू में, मेन्यू बार में नोटपैड के ये सब है, सिर्फ क्या नहीं है, आपका इंसर्ट नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज 3। वेरी गुड। अगला प्रश्न की ओर लेते हैं। हाँ भाई, चलो बड़े देर के बाद आपका HTML का प्रश्न आया, बड़ा संतोष है, बहुत खुशी हुई। जरा आप लोग बताएंगे क्या बी टैग के अलावा और कौन सा टैग है बच्चों जो बोल्ड करता है? हाँ भाई, विच वन ऑफ द टैग बी के अलावा जो बोल्ड करता है, बताओ कौन सा टैग है? तो बी के अलावा फैट करता नहीं, ब्लैक करता नहीं, ईएमपी करता नहीं। तो कौन सा टैग होगा? स्ट्रॉन्ग टैग, अच्छा टैग है, याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग टैग होता है बच्चों जो कि बोल्ड के जैसा वर्क कर देता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। व्हाट टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले पिक्चर इन एचटीएमएल पे, जरा बताएंगे आप लोग कौन से टैग से HTML में पिक्चर को इंसर्ट किया जाता है? ध्यान से बताइए, कोई जल्दी नहीं है बच्चों। प्रश्न नंबर 16 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। HTML पृष्ठ में चित्र को प्रदर्शित करने के लिए बोलो किस टैग का यूज करते हैं? HTML में आपका बच्चों बेसिकली इमेज इंसर्ट करने का जो टैग है वो आपका IMG टैग। विच टैग? IMG। और IMG के साथ कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है, जवाब दीजिए सब लोग। आप लोग कैसे लिखते हैं? IMG SRC इज इक्वल टू इमेज URL, ऐसे ही लिखते हो ना? इमेज SRC बराबर ये URL, माने इमेज का पाथ,
सही से आप पाथ दे दीजिए, आपकी इमेज बच्चों इंसर्ट हो जाती है। तो ये है आपका IMG SRC टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाता हूं। चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर स्मॉलेस्ट साइज। हेडिंग में आपके H1 टू H6 टैग होते हैं। बोलो, आपके हेडिंग में H1 से H6 टैग होते हैं बच्चों। HTML से बहुत सारे प्रश्न आएंगे भैया, HTML से बहुत सारे प्रश्न आएंगे बच्चों, तो आप सबसे निवेदन है कि मन लगाकर उसकी तैयारी कर लो। इस बार प्रैक्टिकल एग्जाम में मान के चलिए कि आपके 60-70 इवन कुछ सेट में तो 80 के 80 नंबर HTML से आए। सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछ रहा था वो HTML से। हाँ भाई, क्या होगा बताओ? स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, H1 लार्जेस्ट होता है और H6 क्या है? स्मॉलेस्ट होता है। करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। बहुत सारे लोग H6 बता रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, आपकी तैयारी सही है। बैकग्राउंड कलर को ऐड करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? आपके सामने देखिए लिखा हुआ है बॉडी कलर इज इक्वल टू येलो। बताओ बच्चों, क्या ये सही है? नहीं। बॉडी BG कलर इज इक्वल टू येलो, बताइए। बैकग्राउंड येलो बैकग्राउंड या बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू येलो, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सब लोग बताओ। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बच्चों आपको। इसमें कुछ लोग बॉडी BG कलर लगा के आएंगे और कुछ लोग इसमें बॉडी बैकग्राउंड लगा के आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, बैकग्राउंड कलर लगाना है तब आप BG कलर एट्रीब्यूट यूज कीजिए बॉडी के साथ, और बैकग्राउंड इमेज लगानी है ना तो आप बॉडी बैकग्राउंड यूज कीजिए। कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहां इस प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा? बॉडी BG कलर इज इक्वल टू येलो। बिल्कुल, बहुत अच्छे, शाबाश, आगे बढ़ो। HTML में नए पृष्ठ में खोलने के लिए हाइपरलिंक। नए पृष्ठ का मतलब क्या होता है बच्चों? नए पृष्ठ का मतलब क्या होता है? M4 R5 की क्लास, प्रेरणा जी, M4 R5 आज आपका चल रहा है मैराथन, तो जो भी है सामने आपके होगा, मैराथन पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आप लोग तैयार रहिए। बिल्कुल बताइए, आपको हाइपरलिंक को ओपन करना है और न्यू पेज में यानी नए टैब में कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? आप जानते हो बच्चों, टारगेट एट्रीब्यूट होता है और वैल्यू क्या देंगे? अंडरस्कोर ब्लैंक। तो बताओ, पहला भी सही है, टारगेट बराबर ब्लैंक, गलत। दूसरा, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ये सही है। तीसरा, हैश चलता नहीं, न्यू चलता नहीं, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का 2 करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का 2 होगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप। आइए अगले प्रश्न पर। वेबसाइट का मतलब क्या है? वेबसाइट मींस URL प्लस वेब स्पेस प्लस HTML कंटेंट। URL प्लस वेब स्पेस प्लस नेम रेजोल्यूशन प्लस HTML। जरा देखिए, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है भैया। 20 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। हाँ बिल्कुल, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा PDF, आप लोग बस क्लास करते रहिए बस। आप लोग मुझे बताओ, वेबसाइट का मतलब क्या होगा? हाँ, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, शुभम सिंह जी, दोनों में रहेगा। वेबसाइट का मतलब क्या होगा? URL मतलब उसका लोकेशन हो गया, ठीक है, सर्वर का। वेब स्पेस क्या हो गया? सर्वर पर स्पेस हो गया। HTML कंटेंट माने कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हो गए। पहला ऑप्शन ही सही है, किसी और पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रश्न का 20 नंबर का पहला ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, जिसमें URL प्लस वेब स्पेस प्लस HTML कंटेंट होगा। व्हाट इज द HTML एलिमेंट टू बोल्ड ए टेक्स्ट, बताइए। किसी टेक्स्ट को बच्चों बोल्ड करना है तो क्या होगा?
कौन सा टैग यूज किया जाएगा बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोल्ड चलता नहीं, वाइड चलता नहीं, बिग चलता है, बिग और स्मॉल चलता है, लेकिन वो बोल्ड कह रहा है बच्चों, तो बोल्ड के लिए आपको यूज करना है बी टैग को। देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न की एक खासियत है, विशेष तौर से एमसीक्यू, कि आपको एक जैसे दो उत्तर नजर आएंगे या दो ऑप्शन सही नजर आएंगे, तो आप कौन सा लगाएंगे, जो ज्यादा सही होगा। तो ज्यादा सही इसमें कौन सा है, बी, वो बिग नहीं सही है। 21 के बाद अगले प्रश्न पर आ रहा हूं। ए टैग क्या होता है जल्दी बताओ सब लोग। ए टैग को बच्चों एंकर टैग कहते हैं एचटीएमएल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार खूब पूछा गया था कि कैसे आप इमेज पे लिंक लगाएंगे, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल दिया होगा तो 100% बच्चों देखा होगा। तो एचटीएमएल में ए टैग किस लिए लगाया जाता है बताइए, लिस्ट बनाने के लिए नहीं, एड्रेस के लिए नहीं, नन ऑफ द अबव ये भी नहीं, किसके लिए भैया, लिंक्स के लिए। कुछ लोग सही उत्तर दे भी रहे हैं, कुछ लोग सही उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल। तो 22 का होगा बच्चों सेकंड ऑप्शन से। ये देखिए इनमें से कह रहा है कौन सा कलर फॉर्मेट सीएसएस कलर को अप्लाई करेगा, आरजीबी फॉलोड बाय द थ्री नंबर्स 0 to 255 कंटेंड इन पैरेंथेसिस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा विथ नो स्पेस बिटवीन देम, कौन सा फॉर्मेट आपको आरजीबी में यूज किया जाएगा जरा बताइए। इसमें फॉर्मेट में हाँ भाई शुभम जी सब होगा, ध्यान से समझिए इसको, बताइए इसमें से कौन सा फॉर्मेट आपका आरजीबी वाला करेक्ट है। आप जानते हैं एचटीएमएल में तीन कलर फॉर्मेट्स होते हैं बच्चों, आपको लगे आज बता ही देता हूं, कलर तीन तरीके से एचटीएमएल में यूज होता है, एक तुम्हारा आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू, एक तुम्हारा हेक्सा और एक तुम्हारा एचएसएल। यहां तीन वैल्यू दी जाती है, रेड ग्रीन ब्लू, हेक्सा में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चलता है हैश करके, और ये क्या है ह्यू सैचुरेशन और लेवल। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन आरजीबी के लिए सही होगा, आरजीबी कलर, कलर आप कैसे देंगे, आप लिखेंगे आरजीबी और कलर की वैल्यू मान लीजिए 45, 55, 70 कुछ इस टाइप से है ना, बैकग्राउंड कलर आप सीएसएस प्रॉपर्टी के साथ यूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक नंबर, आशा करते हैं समझ गए होंगे आप सारे। अगले प्रश्न की ओर आया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट संस्करण गुण उपयुक्त मान नहीं है बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न आपके सामने है, 24 कौन सा मान नहीं है। देखिए इनहेरिट जो अपने आप मिल जाए, डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, स्मॉल कैप्स या लार्ज कैप्स। इसमें देखिए सब में तीसरा वाला ऑप्शन लार्ज कैप्स, लार्ज और कैप्स दोनों एक साथ नहीं होगा, या वो लार्ज होगा या कैप्स होगा, तो ये तीसरा वाला मान नहीं है मोस्ट प्रोबेबली। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्लिप्स एन एलिमेंट्स कलर फॉर यूज बाय द फिल्टर प्रॉपर्टी, किसी तत्व के रंग को फ्लिप करता है, फ्लिप माने चेंज करना ही आप कह सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न के लिए है आपके सामने 25 नंबर प्रश्न, बताइए कौन सा वो फंक्शन है जो किसी एलिमेंट के कलर को चेंज कर सकता है, फ्लिप करना, कन्वर्ट कर देना। इमेज फंक्शन होता नहीं, फ्लिप फंक्शन बच्चों होता नहीं, इन्वर्ट फंक्शन या कॉन्ट्रास्ट फंक्शन, बताइए प्रश्न नंबर 25 का क्या होगा आंसर। इन्वर्ट होगा बच्चों, इन्वर्ट फंक्शन, दो नहीं तीन नंबर, आगे बढ़ो। कौन सी प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज को सेट करता है, टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी या टेक्स्ट प्रॉपर्टी, बताइए भाई सीएसएस का प्रश्न है ये।
कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो आपके फॉन्ट के आकार का निर्धारण करती है। टेक्स्ट साइज होता नहीं, ओनली साइज या टेक्स्ट होता नहीं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट अंडरस्कोर साइज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नंबर दो। चलो भाई आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट एनी टैग विथ एन आईडी एट्रीब्यूट। बताइए कौन सा चयन करता आईडी विशेषज्ञता सेट के साथ किसी भी टैग का चयन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27। ई हैश आईडी होता नहीं, क्लास आईडी कह रहा है वो सिलेक्टर, हैश आईडी। आपको मालूम है बच्चों आईडी जो सिलेक्टर बनता है वो हैश से शुरू होता है और जो क्लास होता है वो आपका डॉट से शुरू होता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तीसरा प्रश्न नंबर बच्चों 27 का करेक्ट आंसर होगा तीन। और आइए सीएसएस क्या है, व्हाट इज सीएसएस? आप जानते हैं सीएसएस का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है बच्चों। क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब आप बताइए इसके बारे में क्या क्या सही है। CSS is a style sheet language. CSS is designed to separate the presentation and content, including layout, colors and font. CSS is language used to style the. मेरा ख्याल है all सही हो जाएगा बच्चों। इसका आप D लगा के आइए, बहुत आसानी से बिल्कुल सही होगा ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 29 पे आता हूं। Which of the following tag is used to embed CSS in HTML page? बताइए भाई, ऑप्शन दिया नहीं है प्रश्न में, प्रश्न बना हुआ है बट ऑप्शन नहीं है, हो सकता है, कोई बात नहीं। HTML पेज में CSS को एम्बेड कैसे करते हैं? देखिए आपको मालूम है बच्चों CSS तीन प्रकार से यूज होता है। CSS इज यूज बाई थ्री डिफरेंट टाइप्स। एक होता है जिसको कहा जाता है बच्चों क्या कहते हैं, इनलाइन सीएसएस, स्टाइल एट्रीब्यूट, है ना। एक जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंटरनल सीएसएस, और तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। जानते हो ना, सब लोग जानते हो। तो इसमें से तो कोई दिया नहीं है बट आपको पता जरूर होना चाहिए कि कितने प्रकार से सीएसएस को हम लोग यूज करते हैं। थ्री डिफरेंट टाइप्स, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। पढ़े होंगे निश्चित तौर पे आप, W3 CSS क्या है? बताओ भाई, W3 CSS एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल है जो बच्चों W3 वालों ने डेवलप किया था, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। आपको मालूम होगा वेब का ये रेगुलेटर है, जो नियामक जिसको कहा जाता है बच्चों, है ना। और आप इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, लोकल मशीन से, या नेट चलता हो तो आप अपने HTML के साथ इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं और अपने वेब पेज को बेहतर बना सकते हो। बताओ क्या आंसर होगा W3 CSS? क्या ये वेबसाइट है? बोलो भाई, क्या ये DTP सॉफ्टवेयर है? क्या ये वेब पब्लिशिंग टूल है या ये फ्रेमवर्क है? तो बच्चों ये ऊपर से तीनों नहीं है, ये आपका एक फ्रेमवर्क है जिसको W3 CSS फ्रेमवर्क भी कहते हैं और आपके कोर्स में है, आपने पढ़ा अवश्य होगा मेरे बच्चों। W3 CSS इज, फिर वही प्रश्न रिपीटेड है, थोड़ा ऑप्शन चेंज है। ए पेड फ्रेमवर्क? नो, इट इज फ्री टू यूज फ्रेमवर्क, ट्रायल वेयर या शेयरवेयर। बच्चों ये फ्री टू यूज फ्रेमवर्क है, आप इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके इसका उपयोग कर सकते हैं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मैं एक्सप्लेन तो कर दे रहा हूं, आंसर नंबर नहीं बता रहा हूं, आप समझ जरूर जा रहे होंगे, ये तो भरोसा है। नंबर टू, W3 CSS कैन स्पीड एंड सिंप्लीफाई वेब डेवलपमेंट, सही है। स्लो डाउन वेब डेवलपमेंट, गलत है। कॉम्प्लिकेट वेब डेवलपमेंट, गलत है। None of the above, गलत है बच्चों। पहला होगा बस, और कुछ नहीं हो सकता कि आपके वेब डेवलपमेंट को स्पीड अप कर देता है। यहां पर क्या है, हर कार्य के लिए क्लास बनी है, बस उसको यूज करो, खटाखट काम होता है। ना कोड लिखना है ना कुछ करना है, बस क्लास लगाना है, काम चलाना है। क्यों भाई,
सहमत हो ना? बिल्कुल, आगे बढ़िए आगे। तो पहला होगा इसका आंसर, ए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैन बी इजिली डेवलप्ड इन। बताइए को एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, आप लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होता है ये बताइए मुझे, क्या आप लोगों को पता है बच्चों रिस्पॉन्सिव वेबसाइट? इसके बाद जी हाँ प्रियांशी जी, पाइथन की क्लास होगी, नेटवर्किंग की क्लास भी शुरू होगी, जुगाड़ मेथड साहब सब पढ़ाएंगे यार, थोड़ा सा भी थोड़ी देर पहले जो चल रहा है इसको पूरा हो जाने दो। अभी आप कहीं नहीं जाएंगे, आप पाइथन भी पढ़ेंगे, आईओटी भी पढ़ेंगे, तब मुक्ति मिलेगी। थोड़ा धैर्य करिएगा, सब्र करिएगा। हाँ भैया, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है, किससे बनेगी? C++ से बनाओगे असंभव है, सी से बनाओगे भूल जाओगे, कोबोल असंभव है, तो किससे बनाओगे? W3CSS से बनाओगे। मैं पूछ रहा था रिस्पॉन्सिव वेबसाइट किसे कहते हैं, एक ऐसी वेबसाइट जो अकॉर्डिंग टू द डिस्प्ले अपने आप को एडजस्ट कर ले। आज के समय में एक ही वेबसाइट बनती है बच्चों, वो आपके प्रोजेक्टर पे भी चल जाएगी, इतने बड़े स्क्रीन जो देख रहे हो, मोबाइल पे भी चल जाएगी, तुम्हारे पीसी के लिए भी, टैबलेट के लिए, सबके लिए एक ही वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। 34 नंबर प्रश्न का ये, W3CSS स्लोअर नहीं है अदर फ्रेमवर्क से, हैवियर नहीं है अदर फ्रेमवर्क से, तो है क्या? इज फास्टर देन अदर CSS फ्रेमवर्क। 34 क्या होगा दूसरा? बिल्कुल सही, ये अदर फ्रेमवर्क से क्या है? फास्टर है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, जावा स्क्रिप्ट क्या है बताओ तुम लोग? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाती है, असेंबली लैंग्वेज है नहीं, कंपाइल्ड लैंग्वेज है नहीं, नन ऑफ द मेंशन्ड है नहीं, तो पहला ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, नंबर एक भैया असेंबली लैंग्वेज नहीं है जावा स्क्रिप्ट, कहां पढ़े हो तुम लोग जो बता रहे हो, कंपाइल्ड भी नहीं है, इंटरप्रेटेड भैया, अरे पहला ऑप्शन, चौथा नहीं होगा, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है भाई। 36 नंबर पे आओ, जावा स्क्रिप्ट के बारे में क्या सही है बताओ? ऑब्जेक्ट बेस्ड है, असेंबली लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, या हाई लेवल लैंग्वेज है, क्या सही है? जवाब दीजिए सब लोग। प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? असेंबली है नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है नहीं, हाई लेवल है नहीं, ये तो स्क्रिप्टिंग है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है यार, सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। एक नंबर ऑप्शन सही होगा, प्रश्न आ सकता है ये, Among the given statement, which statement defines the closures? JavaScript is a function that is enclosed within reference in inner function scope. JavaScript is a function that is enclosed with references lexical environment. JavaScript is a function that is enclosed within the object to its inner function scope. Ya none of the mention. Bataiye, question number aapka 37 kya hoga? 37 बस पाइथन की क्लास शुरू होगी इसके बाद 10 मिनट के अंदर। 37 का क्या होगा? सेकंड सही लग रहा है कि जावा स्क्रिप्ट इज ए फंक्शन दैट इज इनक्लोज्ड विथ रेफरेंसेस टू इट्स लेक्सिकल एनवायरमेंट। अगला बताइए इसका आउटपुट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 ये देखो, PID एक डेमो नाम की बनाया, वेयर टेक्स्ट में बनाया, सेंड फाउंड्री अंडरस्कोर डाल दिया, और वेयर टेक्स्ट 2 बराबर जावास्क्रिप्ट एमसीक्यू, डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाई आईडी इनर एस्टीमेट इज इक्वल टू टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट 2, क्या होगा आंसर? क्या होगा प्रश्न नंबर 38 का आंसर बच्चों? बोलो 38 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? नहीं पता? अरे बड़ा सिंपल है भाई, आपका ये जो सैन फाउंड्री अंडरस्कोर और दूसरा क्या स्ट्रिंग है, जावास्क्रिप्ट एमसीक्यू, दोनों जुड़ जाएगा। ये देखो दूसरा और चौथा डबल ऑप्शन आ गया है, दोनों सही है, चाहे 2 लगाओ चाहे 4, इसके हिसाब से क्या होगा?
डोंट नो प्लीज एक्सप्लेन। तुषार जी बेटा, ये जो जावा स्क्रिप्ट में आपको आपको अगर वैल्यू को डिस्प्ले कराना है तो कई तरीके होते हैं। एक होता है कंसोल डॉट लॉग फंक्शन, एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन, और एक होता है गेट एलिमेंट बाई आईडी, यानी आप आईडी बनाकर एलिमेंट्स की वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये एक तरीका है। तीसरा वाला जिसके थ्रू जावा स्क्रिप्ट में हम वैल्यूज को डिस्प्ले कराते हैं, ओके? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 या 4। What will be the output of following JavaScript code? PID is equal to demo, ठीक है? Script where JS बराबर 10, JS asterisk is equal to 5। बताइए क्या आंसर आएगा? देखो, एक इन्होंने डेमो नाम का वो बना दिया ID, एक वेरिएबल बना रहे हैं JS जिसकी इनिशियल वैल्यू है 10, और js is equal to js equal to asterisk equal to 5, तो 10 गुणे 5 बने js पर वैल्यू चली जाएगी 50, और जब आप js की वैल्यू को फिर आप get element by id demo के थ्रू प्रिंट कराओगे तो आंसर मिलेगा बच्चों क्या मिलेगा, 1 2 3 4 में 10 50 5 एरर 50 आएगा, करेक्ट आंसर एक 2। दूसरा वाला ऑप्शन बच्चों क्या होगा, करेक्ट होगा फॉर व्हाट वर्क फोटोशॉप इज यूज्ड। बताओ किस कार्य के लिए फोटोशॉप का यूज किया जाता है? ग्राफिक्स के लिए, एनिमेशन के लिए? 37 वाला एक्सप्लेन कर दे यार, कर तो दिया भाई, कौन सा है 37? इस प्रश्न में बेटा ऐसा कोई विशेष चीज नहीं है, कोई टेक्निकल प्रश्न हो आप बताइए, मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा जैसे कि मैं करता आ रहा हूं। बताइए 40 नंबर प्रश्न क्या है, 40 नंबर का आंसर क्या आएगा बच्चों? फोटोशॉप का यूज ग्राफिक्स, एनिमेशन, प्रोग्रामिंग या टाइपिंग, किसके लिए करते हो? नॉर्मली ग्राफिक्स के लिए करते हो ना? जी हाँ, पहला बिल्कुल ग्राफिक्स के लिए सही है। 41, विच कंपनी मेड इमेज रेडी, इमेज रेडी एक सॉफ्टवेयर किसने बनाया? 41, बताइए कोई बता सकता है? एडोब ने, साइट्रिक्स सिस्टम ने, सिस्को ने या माइक्रोसॉफ्ट ने, किसने बनाया भाई? हु डेवलप्स इट, विच कंपनी मेड इमेज रेडी? एडोब ने बनाया बच्चों, एडोब सिस्टम्स ने। What is the file extension in Photoshop? बताइए Photoshop का extension क्या होता है? BMP, TIF, PSD, क्या होगा? 42 बच्चों, 42 का आंसर 3 होगा, PSD। कौन सी मेन्यू में डुप्लीकेट लेयर ऑप्शन होता है? इमेज में, लेयर में, फिल्टर में या एडिट में? 43, 43 नंबर का क्वेश्चन, इमेज में नहीं होता, फिल्टर में नहीं होता, एडिट में नहीं होता, ये होता है बच्चों आपके लेयर में। किस में होता है? लेयर में। तो करेक्ट आंसर होगा 2। व्हाट, विच ऑफ दीज सॉफ्टवेयर इज यूजिंग द ग्रेडियंट टूल? बताओ किस सॉफ्टवेयर में ग्रेडियंट टूल होता है? पेज मेकर में, पेंटिंग में, फोटोशॉप में, ऑल ऑफ दीज में? 44, 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फोटोशॉप, और किसी में बच्चों ये ग्रेडियंट टूल नहीं होता। और 45 नंबर क्या है, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ये इमेज की क्वालिटी के लिए होता है, डॉट पर इंच। देख लो, पहला डॉट्स पर इंच होगा नहीं, डिस्क पॉइंट इंच होगा नहीं, डिस्प्ले पर इंच होगा नहीं, डॉट्स पर इंच इज द करेक्ट। तो 45 का करेक्ट ऑप्शन होगा 1। धन्यवाद। तो बच्चों इस प्रकार से आपका एक सेट मैंने कंप्लीट किया वेब का, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को तैयारी अच्छी होगी। तो बहुत जल्दी कहीं मत जाइए, जस्ट 5 मिनट, थोड़ा सा गला सूख गया है बोलते बोलते, तो ब्रेक कर लेने दीजिए और फिर आप लोग आ जाइए। पाइथन वाले और आईओटी वाले अभी कहीं नहीं जाएंगे छोड़ के, क्यों? क्योंकि भैया, क्योंकि अभी आपको बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बतानी है,
तो चलिए 5 मिनट का गैप देते हैं और फिर मुलाकात करते हैं आपसे, ठीक है। और ये सारे पेपर्स का पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगा बच्चों, ये सारे पेपर्स का पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगा। ये देखिए मैं पाइथन का पेपर आपके सामने लेके आ गया हूं। पहला प्रश्न आपके सामने है, बताते रहिए और देखते रहिए। आप एनिमेशन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जब ग्राफिक्स दिया है तो ग्राफिक्स ज्यादा अच्छा आंसर होगा, ठीक। चलो 2 मिनट इंतजार। स्वागत है आप सभी का पाइथन के सेट्स में और मैं नितिन श्रीवास्तव पुनः आपके साथ आ गया हूं। आइए पाइथन का पेपर भी जरा देखा जाए, क्या है इसमें, कुछ क्या दिया है। पहला प्रश्न क्या दिया है, आप जानते हैं पाइथन के पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ पाइथन, बताइए भाई। मिस्टर गाइडो वैन रोसम साहब है, आप जानते हैं इसमें, इसमें कुछ मुझे बताना नहीं है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता है, ये किसी अदर के हैं पिता, ये भी डेनिस रिची साहब सी के फादर है, है ना। पाइथन तुम्हें जिससे मतलब है फिलहाल, उसके कौन है फादर, मिस्टर गाइडो वैन रोसम साहब। शुभ्रा जी नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को, वेलकम। आइए आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ले चलता हूं। पाइथन किस टाइप की लैंग्वेज है, आप ही लोग बताइए, मैं नहीं बताने वाला। केस सेंसिटिव है, केस इनसेंसिटिव है, बोथ है या नन ऑफ दीज है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दो भाई प्लीज।
क्या होगा, पाइथन केस सेंसिटिव है या नहीं? निश्चित तौर पे बच्चों पाइथन केस सेंसिटिव है, आपको बताया गया है। पाइथन में जितने भी कीवर्ड्स यूज होते हैं, कीवर्ड्स माने वो शब्द जो रिजर्व वर्ड है, जैसे इफ, एल्स, स्विच चलता नहीं, डेफ, ब्रेक, कंटिन्यू, एलिफ, ये सब कीवर्ड है ना, इंपोर्ट, और ये सब स्मॉल केस में लिखे जाते हैं, है ना। तो पाइथन आपकी कैसी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव। दूसरे का करेक्ट आंसर होगा पहला। आगे बढ़िए। ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, बताओ कौन सा वो प्रोग्राम है जो हाई लेवल से मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। हाँ बिल्कुल, ये अभी मैराथन की क्लास चलेगी दो चार दिन आप सबकी, जब तक की परीक्षाएं शुरू ना हो जाए बच्चों, तो रेगुलर क्लास कीजिए और ज्वाइन कीजिए और सीखिए। बताइए मुझे कौन सा वो प्रोग्राम है जो हाई लेवल से मशीन लेवल में बदलता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, या दोनों, या कोई नहीं? तो भैया मेरे बहुत सारे लोग एक नंबर कह रहे हैं, कोई दो नंबर कह रहे हैं, तो आपको इतना तो पता होगा बच्चों की जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों की दोनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, और दोनों के दोनों का एक ही कार्य है, हाई लेवल से मशीन लेवल में कन्वर्ट करना। तो इसका एक आंसर नहीं होगा कोई एक, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी नंबर तीन, बोथ ए एंड बी। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा गया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसकी मदद से आपको रिजल्ट मिलता है, बताइए उसे क्या कहते हैं बच्चों, बताओ भाई। प्रश्न नंबर चार, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या एल्गोरिथम होगा? नहीं, एल्गोरिथम इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन नहीं होता। क्या डिसीजन टेबल होगा? जी नहीं। क्या प्रोग्राम होगा? जी हाँ, प्रोग्राम होता है आपका सेट ऑफ क्या, इंस्ट्रक्शन। तो आशा करते हैं बच्चों आप समझ गए होंगे, नन ऑफ द अबव का चांस नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। विच टाइप्स ऑफ एरर्स आर फ्लैग्ड बाय कंपाइलर्स, बताइए कौन से प्रकार की एरर को कंपाइलर पकड़ता है, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, बोथ, या नन ऑफ दीज। कंपाइलर कभी भी बच्चों लॉजिकल एरर को नहीं पकड़ सकते, याद रखिएगा, लॉजिकल एरर को पकड़ने का काम सिर्फ ह्यूमन कर सकता है, कंपाइलर कैन ओनली। नहीं भाई, बहुत सारे लोग तीन नंबर को कह रहे हैं, वो गलत है, ना 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 ना, ध्यान से समझिए बच्चों, कंपाइलर कैन ओनली ट्रेस सिंटैक्स और सिमेंटिक्स एरर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर दो, दो नंबर इसका आंसर होगा। प्लीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के बच्चों करो, अपने पूरे दिमाग लगा के करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने आसानी से हल होते हैं उतने आसानी से गलत भी होने का चांस है, तो गलती ना होने पाए मेरा ऐसा उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ता हूं, अब आप सबसे अगले प्रश्न की ओर लेके आता हूं। एन एल्गोरिथम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, बच्चों एल्गोरिथम को यूट्यूब पर विशाल शर्मा जी सब पढ़ाई होगी, अभी मैराथन चल रही है ना, जो करवा रहे हैं बेटा वो देखो। एल्गोरिथम को सबसे अच्छे कैसे डिफाइन करेंगे, एक कंप्यूटर लैंग्वेज गलत है, ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, या नन। तो बच्चों पहला भी नहीं होगा, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है मेरे बताने के पहले ही, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, छठवें का करेक्ट आंसर होगा नंबर टू। अगला आइए क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर लेके चल रहा हूं। ए नेचुरल नंबर वन इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, या रियल नंबर, या इंटीजर नंबर, या नन ऑफ दीज, बताइए क्या होगा, क्या वन आपका प्राइम नंबर होगा, रियल होगा, इंटीजर होगा, या नन ऑफ दी। देखिए वन आपका रियल तो नहीं हो सकता, दशमलव नहीं, इंटीजर हो सकता है, नन ऑफ दी अब होना नहीं है, लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन है बच्चों प्राइम नंबर। प्राइम वो नंबर्स बच्चों, वो नंबर जो जिनके केवल दो प्राइम फैक्टर होते हैं, एक वन और एक खुद इट सेल्फ,
तो वन आपका एक पहला प्राइम नंबर है और वन नेचुरल नंबर भी है, तो निश्चित तौर पे सतवें का पहला ऑप्शन करेक्ट कीजिए। अठवें पर आइए, प्राइम नंबर क्या है? देखो, डिविजिबल बाय वन या वन एंड इटसेल्फ या वन एंड बाय इटसेल्फ एक्सेप्ट द नंबर, बाकी सब बकवास ऑप्शन है। करेक्ट आंसर होगा बच्चों अठवें का, आठवें का करेक्ट आंसर होगा टू नंबर। क्या आंसर करेक्ट होगा? टू नंबर करेक्ट होगा बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, डिविजिबल बाय टू एंड इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेता हूं अब आपको। स्वैपिंग इज टू नंबर, स्वैपिंग इज टू नंबर डन बाई, अदला बदली दो संख्याओं की जाती है। डायरेक्टली इंटरचेंज देयर वैल्यू विथ ईच अदर, स्टोरिंग वन वैल्यू ऑफ ए टेम्परेरी वेरिएबल या ट्रांसफरिंग वन नंबर विदाउट स्टोरिंग या नन ऑफ दिस। देखिए, किसी भी वैल्यू की जो स्वैपिंग होती है, मैं आपको बता दूं, वो बेसिकली जनरली तो आपका एक तीसरे वेरिएबल के द्वारा होती है। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा नंबर दो, टेम्परेरी वेरिएबल की मदद से। लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है बच्चों जहां पर स्वैपिंग बिना टेम्परेरी वेरिएबल की मदद के भी होता है। याद रखिएगा, टपल्स में यह संभव है। तो फिलहाल इस प्रश्न के हिसाब से उत्तर नंबर दो है, तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाया जाए। सॉर्टिंग एन एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब जरा देखो, लार्जेस्ट नंबर फर्स्ट गलत होगा, स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट एंड लार्जेस्ट नंबर लास्ट, यही सही होगा। पुट द नंबर इन एनी वे, नो नन ऑफ देयर। ये पूछ रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में जो बच्चों शॉर्टिंग होती है उसमें क्या होता है। सेकेंड नंबर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ता हूं, जीसीडी ऑफ टू नंबर इज, बताइए क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, या बच्चों इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, बताइए क्या होगा? द स्मॉलेस्ट नंबर सवाल ही नहीं है, द लार्जेस्ट नंबर विच इज कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। तो 11वें प्रश्न का वन होगा नहीं तीसरे का, और चौथा होगा नहीं। तो बच्चों 11वें नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा नंबर टू। ओके, बढ़िया, आगे की ओर। ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स और इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीटिंग इस टास्क सिस्टमैटिकली, बताइए। वेल डिफाइंड स्टेप्स और इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीटिंग ए टास्क सिस्टमेटिकली, उसको क्या कहेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो कहा नहीं है, तो इसलिए प्रोग्राम तो होगा नहीं, फ्लो चार्ट होगा नहीं, वहां सिंबल्स का यूज करते हैं बच्चों। एल्गोरिथम नहीं होगा क्योंकि वहां सिंपल इंग्लिश भाषा यूज होती है। सूडो कोड, 12वें का पहला, 12वें का बच्चों सूडो कोड और एल्गोरिथम, इन्हीं दोनों में से डाउट बनता है। फ्लो चार्ट और प्रोग्राम तो होगा नहीं। तो देखिए 12वें का जो स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, तो उसको आप एल्गोरिथम पे के साथ आप जा सकते हैं। नंबर दो ऑप्शन मुझे लगता है कि इसका सही है, एल्गोरिथम, बिल्कुल। आगे बढ़िए, फीचर ऑफ पाइथन प्रोग्राम इज इजी टू लर्न एंड रीड, आप बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा बच्चों? पाइथन की फीचर्स में क्या क्या आता है? इजी टू लर्न, दूसरा तुम्हारा इंटरैक्टिव, तीसरा फ्री एंड ओपन सोर्स, या चौथा ऑल ऑफ दीज। तो सारी बातें सही हैं पाइथन के लिहाज से, आप जानते हैं इस बात को बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चौथा, ऑल ऑफ द अबव। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा बच्चों फोर्थ ऑप्शन। 14 प्रश्न पे मैं आ रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन इंटरप्रेटर, बताइए इंटरप्रेटर क्या होता है पाइथन में? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, उसके बारे में क्या सही नहीं है? इंटरप्रेटर इज ए काइंड ऑफ ट्रांसलेटर, सही है। इंटरप्रेटर एनालाइजेस इज सो स्टेटमेंट एवरी टाइम, बिल्कुल सही है। नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता,
कौन सा सही नहीं है, तो इंटरप्रेटर जनरेट्स एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। पहला कौन सा ये प्रश्न है बच्चों, ये तुम्हारा प्रश्न नंबर 14वें का, 14th का, इंटरप्रेटर जनरेट्स एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ये गलत है। इंटरप्रेटर कभी भी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं बनाता बच्चों, वो सीधे वो कहते हैं ना हाई लेवल से डायरेक्ट इंटरप्रेट करके मशीन रीडेबल कोड में जनरेट कर देता है। पहला ऑप्शन करेक्ट लगाइएगा इसका। कमेंट इन पाइथन स्टार्ट्स, बताइए पाइथन में कमेंट किससे बनाते हैं? वैसे तो दो तरीके हैं बनाने के, एक सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टी लाइन कमेंट, बट आप बताइए यहां पर कौन सा कमेंट है आपका? एक्सक्लामेशन से बनता नहीं, एम्परसेंड से बच्चों बनता नहीं, एस्ट्रिक से बनता नहीं, किससे बनेगा? हैश सिंबल से। तो पाइथन में जो कमेंट की क्रिएशन होता है वो आपका हैश सिंबल से होता है। 15वें का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पाइथन इज बीइंग यूज्ड इन मेनी फील्ड्स, पाइथन कहां कहां यूज होती है बताओ? स्क्रिप्टिंग में भी हो रहा है आपका, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में पाइथन का बहुत यूज है आपका, जीयूआई प्रोग्रामिंग में बच्चों पाइथन का यूज है। तो जब सब में यूज है तो आंसर क्या होगा? चौथा, ऑल ऑफ द अबव। अगला हो, लिमिटेशन क्या है पाइथन की? नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, गलत, पाइथन बहुत फास्ट लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर बेस्ड है। लेसर लाइब्रेरीज, क्या पाइथन में कम लाइब्रेरी यानी फंक्शंस कम है? गलत होगा, बोथ ए एंड बी हो ही नहीं सकता। क्या ऑप्शन होगा? चौथा, चौथा बच्चों, नन ऑफ दीज, पाइथन की इनमें से कोई लिमिटेशन नहीं है। विच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ पाइथन लैंग्वेज, बताइए इसमें से पाइथन की कौन सी पर विशेषता नहीं है? इंटरप्रेटेड है, पोर्टेबल है, हाई लेवल है, क्या नहीं है पाइथन? पाइथन केस इनसेंसिटिव नहीं है, पाइथन केस सेंसिटिव है। इनसेंसिटिव का मतलब क्या हो गया कि जहां केस सेंसिटिव तरीके से कार्य ना किया जाता हो, तो गलत हुआ ना। तो बच्चों प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, यहाँ फोर्थ ऑप्शन दिया नहीं है बट आप समझ लीजिए, ऑप्शन तो आप लगा ही लेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या बताता है? कोई ऑपरेटर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस माने वरीयता क्रम, कि बच्चों कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, कौन सा ऑपरेटर तुम्हारा बाद में सॉल्व होगा। तो जरा बताइए क्या वरीयता क्रम होगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताता क्या है? ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स ऑन द लार्जेस्ट नंबर, ये बताएगा नहीं, इज यूज्ड फर्स्ट या इज मोस्ट इंपॉर्टेंट या नन ऑफ दीज, बच्चों इज यूज्ड फर्स्ट। प्रेसिडेंस बताएगा कि कौन सा ऑपरेटर कई ऑपरेटरों में पहले कौन सा सॉल्व होगा, अगर समीकरण में वो है तो। इज यूज्ड फर्स्ट 19वें का दूसरा। पाइथन ऑपरेटर के बारे में क्या सत्य है? ऑपरेटर मस्ट हैव वन और मोर ऑपरेंड्स, ऑपरेटर्स आर आइदर यूनरी और बाइनरी, ऑपरेटर्स हैव सम प्रेसिडेंस या ऑल ऑफ द अबव, बताइए भाई। ऑपरेटर में एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। ऑपरेटर यूनरी या बाइनरी, यूनरी मतलब सिंगल पे चलने वाले, बाइनरी मतलब दो पे चलने वाले, दोनों हो सकते हैं। क्या ऑपरेटर का कुछ प्रेसिडेंस यानी वरीयता क्रम होगा? जी हाँ। तो जब सब बात सही है भाई तो काहे का इंतजार, चौथा सही लगाओ और आगे बढ़ो। एस्केप सीक्वेंस क्या है जरा बताइए, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश और ये सिंगल डबल कोट्स, बैक स्लैश ए या ऑल ऑफ द अबव, सभी हैं। बैक स्लैश से ऑपरेशंस भी हिंदी में, ऑपरेशन कैसे हिंदी में होगा भैया सिद्धार्थ? चलो एस्केप सीक्वेंस, जो भी बैक स्लैश से स्टार्ट हो वो एस्केप सीक्वेंस की पहचान है, सारे स्टार्ट है ऑल ऑफ द अबव। 21 का चौथा प्रश्न, स्टैंडर्ड मॉड्यूल कौन सा है इसमें बताइए? मॉड्यूल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होता है पाइथन में, बच्चों आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल्स आर द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। तो देखिए
स्टैंडर्ड मॉड्यूल कौन कौन से हैं? मैथ पाइथन में उपलब्ध है, बहुत सारे फंक्शन एसक्यूआरटी फैक्ट फंक्शन ये सब मिलते हैं मैथ में। रैंडम मॉड्यूल ये भी आपका पाइथन में एग्जिस्ट करता है, तो जब दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो करेक्ट आंसर 22वें का लगाइए 3 और बोले चलिए आगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन है बताओ पाइथन में, बोलिए इज नॉट बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दी। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या बताते हैं पाइथन में, तुम्हें आइडेंटिटी ऑपरेटर ये बताते हैं कि इक्वल टू की दोनों साइड जो वैल्यूज हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यही बताते हैं ना। तो पाइथन में जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा बच्चों वो इज और इज नॉट दोनों होता है, बोथ ए एंड बी। तीसरा अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑपरेंड्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर के ऑपरेंड कौन कौन हो सकते हैं, बोलिए भाई। न्यूमेरिक बूलियन कैरेक्टर्स या बोथ कैरेक्टर्स एंड न्यूमेरिक्स, प्रश्न नंबर 24 का हाँ दोनों देना होगा पिंकी जी आपको, जिन्होंने अभी प्रैक्टिकल जिनका छूट गया पूछा है, बताइए भाई 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ऑपरेंड आपके कैरेक्टर और न्यूमेरिक दोनों हो सकते हैं, चौथा ऑप्शन, बहुत लोग सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही, बूलियन नहीं होगा। वी कैन गो बैक टू द स्टार्ट ऑफ लूप बाय यूजिंग, बताइए हम लूप की शुरुआत में वापस जा सकते हैं मेरे बच्चों, किसकी मदद से? लूप की शुरुआत में वापस जाना यानी टॉप ऑफ द लूप, ब्रेक से तो बाहर फेंक देगा, पास से, पास क्या करता है कंडीशन के केस में अगर कुछ आप खाली छोड़ रहे हैं तब के लिए होता है। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट इसका काम करेगा, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट आपको वापस टॉप ऑफ द लूप यानी 25वें का तीसरा लगाइएगा। वो कंडीशन ऑन विच द एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जिट द करेंट लूप, बताइए वह शर्त का निष्पादन या वर्तमान लूप का निकास किससे होता है? एग्जिट कंडीशन, टेक्स्ट कंडीशन, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। वो कंडीशन जिससे आप लूप से बाहर आते हैं कौन सी कंडीशन होगी? एग्जिट। टेक्स्ट कंडीशन क्या होती है? कुछ नहीं। तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर आपका होगा नंबर एक, एक नंबर, एक नंबर, बहुत तेजी से आप लोग चल देते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में क्या सही है? ये आपके करंट लूप का एग्जीक्यूशन तोड़ देता है, ये आपके करंट एग्जीक्यूशन को ट्रांसफर द कंट्रोल आउटसाइड द करंट ब्लॉक। इफ द ब्रेक इज इन ए लूप इट एग्जिट फ्रॉम द लूप एंड इफ द ब्रेक इज इन ए नेस्टेड लूप इट एग्जिट्स फ्रॉम द इनर मोस्ट लूप। अच्छा भाई ऑल द स्टेटमेंट्स सब सही है। चौथा, फोर्थ ऑप्शन लगाइएगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल 101% सही है। समझ में आ रही है बात? सब लोग जवाब दीजिए भाई, क्या आपको समझ में आ रहा है? ब्रेक के लिए ये जो चारों कथन हैं वो सबके सब बच्चों एक साथ क्या हैं? आपके सही हैं, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर यक्स का मान सही है तो स्टेटमेंट प्रिंट यक्स प्रिंट करेगा क्या? अगर यक्स का मान 10 है तो बताओ क्या प्रिंट करेगा, यक्स या 10? बोलो भाई, सबका पीडीएफ आपको दिलवाएंगे, आप सब निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भरोसा रखिए, क्लास के आखिरी में आपको पास पीडीएफ आपके चैनल ओ लेवल विथ रत्नाकर सर पे भेज दूंगा, घबराओ मत, सब लोग चली जाएगी, पहले पढ़ तो लो यार। यदि यक्ष का मान 10 है तो बताइए प्रिंट यक्ष क्या देगा, 10 देगा, यक्ष कहां प्रिंट करेगा? तो पहला ऑप्शन सही होगा। विच इज ट्रू अबाउट वेरिएबल्स, हाँ बड़ा अच्छा प्रश्न है, वेरिएबल के बारे में क्या सही है बताइए, देख के ध्यान से। ए वेरिएबल कैन बी रीअसाइंड एट एनी टाइम, किसी भी समय रीअसाइंड कर सकते हैं, जी हाँ, मस्ट बी असाइंड बिफोर इट कैन बी यूज्ड विद इन ए प्रोग्राम,
यस, प्रोग्राम में यूज करने से पहले असाइन हो जाना चाहिए। ये रिप्रेजेंट करता है लोकेशन इन मेमोरी, बिल्कुल। तो भाई सारी बातें जब हम हाँ हाँ करते जा रहे हैं तो चौथा सही होगा। आप लोग तुरंत शुरू कर चुके हैं उत्तर, वेरी गुड, शाबाश। एंड लूप इज ए लूप दैट एग्जीक्यूट इट्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली अंटिल यूजर फोर्सेस द प्रोग्राम टू क्विट। वह लूप जो अपने स्टेटमेंट के ब्लॉक को बार बार निष्पादित करता है जब तक उपयोगकर्ता प्रोग्राम को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करता। ऐसा कौन सा लूप होता है भाई, बताइए। प्रश्न नंबर 30 का क्या होगा कथन। इनफाइनाइट लूप एक ऐसा लूप जो तब तक चलेगा जब तक कि आप फोर्सफुली उसको टर्मिनेट न कर दें। बिल्कुल, पहला कथन सत्य होगा। अगला आइए, फॉर फंक्शन, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन। बताओ फंक्शन बनाना है पाइथन में, कौन सा कीवर्ड यूज होगा पाइथन में। फंक्शन बनाना है कौन सा कीवर्ड, क्या डिफाइन यूज होगा, गलत। क्या फन यूज होगा, गलत। क्या फंक्शन यूज होगा, गलत। क्या यूज होगा, डेफ। पाइथन में बच्चों फंक्शन का निर्माण आपके डेफ कीवर्ड की मदद से किया जाता है, आप लोग जानते हैं बिल्कुल 100%। अगले प्रश्न पे आइए, फंक्शन हेडर में निम्नलिखित में से कौन सा आइटम मौजूद है। तो देखो जब आप अगर पाइथन में फंक्शन बनाना पढ़े होंगे, मैं लिख ही दे रहा हूं, कैसे लिखते हैं बच्चों, डेफ, मान लीजिए फंक्शन का नाम हो गया एड एक्स कॉमा वाई। यहां ये क्या है, फंक्शन का नेम हुआ और ये क्या हुआ, एक्स और वाई, ये तुम्हारा पैरामीटर हो गया, पैरामीटर की लिस्ट हो गया। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी होगा ना। सब लोग बताइए, समझ में आ गई कि नहीं बात। डी ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों, चौथा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ रहा हूं, वॉट इज कॉल्ड व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड इन ए क्लास। फंक्शन को अगर क्लास में बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कोई बताएगा। बहुत सीधी सी बात है बच्चों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फिलॉसफी के अनुसार आप अगर किसी फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन करें तो उसको मेथड कहा जाता है, सी, इट इज कॉल्ड मेथड। उसे क्या कहते हैं बच्चों, मेथड कहते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए, यदि रिटर्न स्टेटमेंट को फंक्शन में हम नहीं यूज करते तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, नन, जीरो, नल, आर्बिट्रेरी। बताओ भाई क्या रिटर्न करेगा, 34 का बताओ, 34 कुछ रिटर्न नहीं करेगा, नन, नन रिटर्न करेगा ना, जीरो ना नल ना आर्बिट्रेरी, ए ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 35 पे आइए, व्हाट इज रिकर्सिव फंक्शन। बताओ, ए फंक्शन दैट कॉल्स अदर फंक्शन, ए फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। बताइए किसे बच्चों रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं, वो फंक्शन जो अपने आप को स्वयं से कॉल करे, अदर को नहीं भाई, आप लोग हरबली में गड़बड़ी कर देंगे। वो फंक्शन जो अपने आप को खुद से कॉल करता है उसे हम लोग बच्चों रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। कौन सा फंक्शन रिकर्सिव होता है, ए फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ, तो बी ऑप्शन लगाओ और आगे बढ़ो। पाइथन में आईडी फंक्शन का क्या उपयोग है, आईडी रिटर्न द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, आईडी रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। प्रश्न नंबर 36 क्या होगा, बी होगा, आईडी फंक्शन रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरी गुड।
कौन सा फंक्शन हेडर सही है, जरा बताइए भाई। ए बराबर दो, बी बराबर बी, बी बराबर थ्री और सी। ए बराबर दो, बी छोड़ दिया, सी। बच्चों ये देखिए, ये एग्जाम्पल है डिफॉल्ट आर्गुमेंट का, और इसमें जो सबसे करेक्ट है वो पहला है, दूसरे में मिस्टेक है। अलाउड नहीं है इस तरह से कि एक में वैल्यू डालो एक छोड़ के फिर डालो, ये भी अलाउड नहीं है बच्चों, ये भी अलाउड नहीं है। तो सिर्फ पहला ऑप्शन, एक नंबर बच्चों, एक नंबर जो तरीका है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स को भेजने का वो सही है। 38 नंबर प्रश्न पे आते हैं। मेमोरी के किस भाग में फंक्शन कॉल के पैरामीटर और वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर किया जाता है, हीप में, स्टैक में, अनइनिशिएटेड डेटा सेगमेंट में, या नन ऑफ द अबव में? हीप में नहीं होता बच्चों, ये स्टैक में होगा। इसका आंसर आप लगाएंगे दो नंबर, बी, बी लगाइएगा, स्टैक, स्टैकिंग होती है। पाइथन में एक फंक्शन को कैसे घोषित करते हैं? डेफ फंक्शन, फंक्शन नेम, डिक्लेयर फंक्शन, फंक्शन नेम, डेफ, डेफ फंक्शन, फंक्शन नेम, डिक्लेयर फंक्शन अंडरस्कोर नेम, बताइए। तो पाइथन में आपका ना पहला सही है ना दूसरा, ये तीसरा सही है, थर्ड वाला, सी, डेफ फंक्शन अंडरस्कोर नेम ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो सी लगाइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। 40वें प्रश्न पे आइए। कॉलिंग करने का करेक्ट तरीका बताओ, फंक्शन नेम या कॉल फंक्शन नेम या आरईटी फंक्शन नेम या फंक्शन, पहला फंक्शन नेम बस लिख दीजिए आपका पाइथन में फंक्शन बच्चों कॉल हो जाता है, कोई अदर एक्स्ट्रा शब्द या कीवर्ड, सिर्फ फंक्शन का नाम दिखना पड़ता है और कुछ नहीं। 40वें का ए होगा। और इस प्रकार से बच्चों ये भी आपका सेट समाप्त होता है। बहुत खुशी है आप लोगों को कि मुझे आशा है कि आपको बच्चों समझ में आ रहा है और कुछ फायदा अवश्य मिल रहा है, बिल्कुल मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा सा बच्चों इंतजार कीजिए, मैं भी थक गया हूँ, थोड़ा पानी पी लूँ और अब आपके लिए अगला सेट मैं लेकर आता हूँ। अगला सेट पीडीएफ चारों पेपर का एक साथ भिजवा देंगे, हर्षित, ऑल पेपर्स का पीडीएफ एक साथ जाएगा ओले विल विथ रत्नाकर सर के जो अभी आपका टेलीग्राम चैनल है उसमें। हाँ कल भी क्लास चलेगी, आईओटी भी करवा देंगे, थोड़ा दो मिनट शब्र कर लो, पानी पी लें कि ना पिए, पानी पी लेने दीजिए, आप भी पानी पी लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, दो मिनट के बाद मिलो और शुरू करते हैं आईओटी। देखिए आपके सामने बंद किया और आईओटी डे वन आपका ये जो पहला है ये शुरू कर रहा हूं। ये देखिए पहले प्रश्न के लिए आपको छोड़ जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर वन। हाँ बिल्कुल कराएंगे बेटा सभी लोग, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, मिलते हैं दो मिनट के अंतराल पर और आपके साथ जुड़ते हैं फिर से। चलिए भाई पानी पी लें और फिर शुरू करें।
वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आनंद ले रहे होंगे हमारे इस मैराथन क्लासेस का। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं नितिन श्रीवास्तव आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि बच्चों आपका जो भी आने वाली परीक्षा है वो सब अच्छे से निपट जाए, आप सभी का पेपर्स निकल जाए। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग भी देखिए लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो चलो भाई, अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट औरैया वालों तैयार हो जाओ पढ़ाई के लिए बच्चों। चलिए, थैंक यू शोभित साहू साहब, आइए स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। आईओटी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपने सॉल्यूशन भी दे रखा है। क्या होता है आईओटी का फुल फॉर्म? दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। क्या होता है भाई? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है ना। इंटर पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर वन पे सी लगाइए और बढ़ चलिए क्वेश्चन नंबर टू की ओर। आईओटी है क्या? व्हाट इज आईओटी बच्चों? किसे आईओटी कहते हैं जरा देखो। और अब आप तुम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम मत लिखो और आईओटी पे ध्यान दो बच्चों। नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद सेंसर, नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए रिंग स्ट्रक्चर या नेटवर्क ऑफ सेंसर्स। क्या होता है आईओटी बच्चों बताइए। पिंकी गोयल जी, आपका प्रैक्टिकल रह गया तो आपको फिर से दोनों एग्जाम दोबारा देने होंगे। अभी तक का नियम यही है। नाइलिट पलट जाए अपनी बात से तो मैं नहीं जानता, बट अभी तक का यही नियम है कि अगर आपको दोबारा प्रैक्टिकल छूट गया तो थ्योरी का भी फिर से भरना पड़ेगा, दोनों देना पड़ेगा। आइए, आईओटी क्या है बच्चों? नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है एम्बेडेड विद सेंसर, यानी इसमें डिवाइस होती है और डिवाइस में सेंसर होता है जो रियल वर्ल्ड डेटा को कैप्चर करता है और उन्हीं को कनेक्ट कर दिया गया तो बन गया तुम्हारा आईओटी। तो इस क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर तीन पे आता हूं। किसने आईओटी शब्द की उत्पत्ति की? केविन एस्थेन, जॉन राइट, एडवर्ड जेम्सन या जॉर्ज गार्टन? तो आप लोग बड़े आराम से जानते हैं, आप लोग बहुत ही आराम से जानते हैं कि केविन एस्थेन साहब ने किया था। तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आइए। आईओटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था बताओ? 1998, 1999, 2000 या 2002? चौथा, कब आईओटी इंट्रोड्यूस हुआ था बच्चों? 1998, 1999, 2000 या 2002? 1999 में केविन एस्थेन साहब ने किया था, आप सबको बिल्कुल मालूम है। तो आशा करते हैं बच्चों कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी डिवाइस बताओ? इनमें से कौन आईओटी डिवाइस नहीं है? टेबल, लैपटॉप, आर्डुइनो या टैबलेट? देखिए बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, बस टेबल कोई डिवाइस नहीं है। क्यों भैया? टेबल कोई डिवाइस नहीं है मेरे बच्चों। तो क्या आंसर होगा पांचवें का? ए। प्रश्न नंबर छठवें पे आ जाओ फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट आईओटी डिवाइसेस? आईओटी डिवाइसेस में निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा? आईओटी डिवाइसेस यूज इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा, आईओटी डिवाइस नीड्स माइक्रो कंट्रोलर, आईओटी डिवाइस यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी, आईओटी डिवाइसेस आर कंप्लीटली सेफ। देखो बाकी एबीसी कथन सत गलत कौन सा है बताओ? मैं रुका हूं, आपका इंतजार कर रहा हूं। कौन सा कथन गलत होगा? शाबाश रविंद्र, शिवम, पप्पू कुमार जी। पप्पू जी आप तो शायद पढ़ते भी हैं मुझसे किसी क्लास में। जी हाँ, आप सभी का उत्तर डी आ रहा है और बहुत खुशी है मुझे कि बिल्कुल सही है आपका। और सारी चीजें बच्चों सही है, एक ही गलत है बच्चों, वो है आपका आईओटी डिवाइसेस आर कंप्लीटली सेफ। सबसे बड़ा दर्द यही है कि आईओटी इतना यूजफुल होते हुए भी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करता बच्चों। 100%
सेफ्टी नहीं है आईओटी में। तो चौथा ऑप्शन लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। वेरी गुड, आओ, इट इज लाइक ए स्मॉल कंप्यूटर विथ माइक्रो प्रोसेसर, कोर मेमोरी एंड आईओ। बताओ भाई क्या है वो, वो कौन सा कंप्यूटर है जो एक एक सिंगल चिप में होता है? क्या वो आईओटी डिवाइस है, क्या वो माइक्रो कंट्रोलर है, क्या वो मदरबोर्ड है, या क्या वो रैम है? बोलो भाई क्या आंसर लगाएंगे आप लोग? प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या होगा? माइक्रो कंट्रोलर। करेक्ट आंसर होगा बच्चों 2। द माइक्रो कंट्रोलर इज द करेक्ट आंसर। बोलिए भाई जवाब दीजिए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? माइक्रो कंट्रोलर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल शाबाश। पासिंग प्रोसेस बता दीजिए आकाश शर्मा जी। बता देंगे आकाश जी, 5 में आखिरी में बता दूंगा मैं। माइक्रो कंट्रोलर बिल्कुल सही। आइए 7 के बाद प्रश्न नंबर 8 पर आता हूं। इट स्टोर्स योर एप्लीकेशन प्रोग्राम इन द माइक्रो कंट्रोलर। बताओ आपके माइक्रो कंट्रोलर में एप्लीकेशन प्रोग्राम को कौन स्टोर करता है? माइक्रो कंट्रोलर में एक मेमोरी होगी ना, एक स्मॉल मेमोरी जो कि एप्लीकेशन, आपको मालूम है आप अर्डिनो आईडी के थ्रू प्रोग्राम बनाते हैं और माइक्रो कंट्रोलर पे अपलोड करते हैं अर्डिनो यूनो पर, तो वो कहां जाकर स्टोर होगा? आपके माइक्रो कंट्रोलर में बच्चों, आपके माइक्रो कंट्रोलर में एक एक क्या है, एक स्मॉल मेमोरी जो रीड ओनली मेमोरी है, जिसमें कंटेंट जाने के बाद ऑटोमेटिक इरेज नहीं होगा जब तक आप खुद से इरेज नहीं, तो रॉम में स्टोर होगा। संक्षेप में 8 का ऑप्शन होगा 1। कमेंट 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, ए होगा, बिल्कुल 100%। शाबाश, वेरी गुड बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, 9 प्रश्न की ओर लेके आ रहा हूं। आर फॉर कॉन्टिन्यूस इनपुट आउटपुट लाइक टेम्परेचर और स्पीड। बताइए ऐसा इनपुट जो लगातार है बच्चों, ऐसा इनपुट जो लगातार है, जो कॉन्टिन्यूस है, उसको कैप्चर करना है, उसके लिए क्या यूज होगा, कौन सा पोर्ट लगेगा? एनालॉग, ड्यूल, डिजिटल या यूएसबी? जवाब दीजिए सब लोग। बच्चों ऐसा इनपुट जो एनालॉग है, उसके लिए जो पोर्ट्स लगते हैं वो एनालॉग पोर्ट्स कहलाएंगे, यानी एनालॉग। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। I2C का मतलब क्या होगा बताइए? What is the full form of I2C? Internet Interconnected Controller, Inter-Integrated Controller, Internet Interconnected Circuit या Inter-Integrated Circuit? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10th का क्या होगा I2C का फुल फॉर्म? बच्चों 1, 2, 3 तो होगा नहीं, 1, 2, 3 तो होगा नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा 4। 4 होगा, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। बोलिए 10 का चौथा इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। द क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम मींस दैट द आउटपुट ऑफ सिस्टम डिपेंड्स। बच्चों आपको मालूम है आपके आपकी डिवाइसेस में 2 के, बड़ा अच्छा प्रश्न है, कंट्रोल सिस्टम के प्रश्न जरूर आएंगे। क्या प्रश्न आएगा कि भैया ओपन लूप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? बताइए क्या होता है? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में इनपुट और आउटपुट के बीच कोई संबंध नहीं होता, आउटपुट जो आएगा वो इनपुट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लेकिन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जो आउटपुट आता है वो इनपुट को प्रभावित करता है, यानी फीडबैक सिग्नल का असर होता है। बोलिए होता है या नहीं बच्चों? तो आपके क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में जो सिस्टम का आउटपुट है वो बच्चों डिपेंड करेगा किस पर? बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 का, इनपुट पर डिपेंड करेगा। जो आउटपुट है वो इनपुट को प्रभावित करता है, ये याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा। तो 2 होगा इसका आंसर। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम हैज वन और मोर बिटवीन इट्स आउटपुट एंड इनपुट। क्या होगा बताइए?
क्वेश्चन नंबर 12 का 12वां प्रश्न आपके सामने है बच्चों। 12वें में इसका करेक्ट आंसर होगा न कंट्रोल लूप न कंट्रोलर लूप। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस डिवाइस में कौन सा कंट्रोल सिस्टम होता है। बताइए एसी में कौन सा कंट्रोल सिस्टम होता है, ओपन लूप या क्लोज लूप, कुछ पता है? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, आप बताइए मुझे। वेरी गुड, एसी में क्लोज लूप होगा। और वॉशिंग मशीन में बच्चों, वॉशिंग मशीन में क्या होगा, दोनों होगा, ऐसा नहीं होगा भैया, ओपन लूप, ओपन लूप होता है। अब मुझे अभी कंट्रोल सिस्टम आपको पढ़ाना नहीं है, फिर डिस्कशन पूरा करते, लेकिन कोई बात नहीं, आइए आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं और कुछ आगे आपको बताता हूं बच्चों। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के आउटपुट और इनपुट के बीच जो एक लूप होता है उसको कहा जाता है फीडबैक लूप। क्या कहते हैं बच्चों? फीडबैक लूप्स कहते हैं। तो तीसरा इसका सही होगा। हाँ भाई, विच डिवाइस मेजर्स ए गैस और लिक्विड, बताओ इनमें से कौन सी डिवाइस है जो गैस या तरल को मापते हैं, जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 13, गैस या तरल को किससे मापोगे भाई साहब? सेंसर से ही मापोगे, लेकिन क्या इनमें से कोई ऐसा सेंसर है जो गैस या लिक्विड को माप सके, जवाब दीजिए। प्रॉक्सिमिटी मापता नहीं, प्रेशर मापता नहीं, टेम्परेचर मापता नहीं, टच, इसका करेक्ट आंसर होगा गैस या लिक्विड, और ये है नहीं, कोई बात नहीं, चारों में से किसी का आंसर मुझे सही नहीं है। चौथावां बताओ, DHT11 किस तरह का सेंसर है, ये प्रश्न आ सकता है बच्चों, 14 क्वेश्चन आ सकता है। DHT11 किस तरह का सेंसर है, DHT11 11 बोलो। प्रश्न नंबर 14 का, ह्यूमिडिटी सेंसर है जो तापमान या आर्द्रता को बच्चों मापता है, क्या है? ह्यूमिडिटी सेंसर। 15वां प्रश्न पे आइए, विच टाइप ऑफ टेम्परेचर सेंसर इज प्लेस्ड इन आईसी, थर्मिस्टर आपके इंटीग्रेटेड सर्किट में, बच्चों आपके इंटीग्रेटेड सर्किट में किस तरह का सेंसर लगा है, थर्मिस्टर लगा है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर लगा है, थर्मोकपल लगा है, या सेमीकंडक्टर बेस्ड सेंसर लगा है? चौथा ऑप्शन होगा। 15वें प्रश्न नंबर 16वें पे आ रहा हूं, इलेक्ट्रिक मोटर प्रोटेक्शन हैज विच सेंसर, आपको मालूम है बच्चों आपकी मोटर चलते चलते हीट हो सकती है और वो बर्न हो सकती है, अर्थात जल सकती है, उसमें क्वायल है वो शॉर्ट कर सकती है और आपका मोटर चलना बंद हो जाएगी, आप जानते हैं इस चीज को बच्चों। तो बताइए इलेक्ट्रिक मोटर प्रोटेक्शन में कौन सा सेंसर होता है, क्या प्रेशर होगा, नहीं, क्या टच होगा, नहीं, क्या ह्यूमिडिटी होगा, नहीं, टेम्परेचर सेंसर होगा जो उसके टेम्परेचर को मैनेज करेगा निश्चित तौर पर, बिल्कुल। 17वां प्रश्न, विच सेंसर मेजर द प्रेशर रिलेटिव टू परफेक्ट वैक्यूम, बताइए कौन सा वो सेंसर है, बच्चों वो कौन सा सेंसर जो सही वैक्यूम के सापेक्ष दाब को मापता है, एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, या डिफरेंशियल प्रेशर? सही का मतलब एब्सोल्यूट से है मेरे बच्चों, सही का मतलब आपका एब्सोल्यूट से है, यानी एक नंबर, एब्सोल्यूट एक नंबर लगाइएगा, बिल्कुल। इसके बाद आगे बढ़ाता हूं मैं, विच टच स्क्रीन इज मेड ऑफ ग्लास ओवरले, कौन सी टच स्क्रीन है जो ग्लास, ये शायद ये आईओटी से रिलेटेड नहीं है प्रश्न, फिर भी क्या रेजिस्टिव है, नहीं, कैपेसिटिव है, नहीं, एपीआर है या एसएडब्ल्यू है, एपीआर होगा बच्चों इसका आंसर। 18वें का करेक्ट आंसर होगा 3, बताओ ये अच्छा प्रश्न है, मुझे आर्डिनो के बारे में दिखाना था और वो आ गया है, आर्डिनो क्या होता है, ओपन सोर्स प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड,
प्रोप्राइटरी प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड, ओपन सोर्स नॉन प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड या नन ऑफ दीज? बताइए भाई अर्डिनो क्या है? सभी लोग, क्या है अर्डिनो? ओपन सोर्स है और प्रोग्रामेबल है। प्रोग्रामेबल का मतलब जिसको प्रोग्राम आप कर सकते हैं। सारे अब तुम प्रोजेक्ट इसी से ना बना रहे हो। पहला ऑप्शन लगाओ, अर्डिनो वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 3, 4, 5, 6, बताओ कब हुआ था? बताओ अर्डिनो किस सन में आया था बच्चों? कोई बताएगा? अर्डिनो आया था 2005 में। 20वें का करेक्ट आंसर होगा बच्चों 3, तीसरा सी। अर्डिनो को किसने लॉन्च किया था बच्चों? अर्डिनो को इटली में दो दोस्त थे, एक था डेविड और एक था मैसिमो बेंजी, उसने लॉन्च किया था। आगे बढ़ो 20 के बाद 21 नंबर पे। अर्डिनो वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीव जॉब्स, मैसिमो बेंजी, नक्यूमो यामानोटो। नाम बड़ा अजीब है, जापानीज होगा। सुंदर पिचाई। किसने लॉन्च किया था भाई? इसमें दो लोग थे, इसमें दो लोग थे बच्चों, एक ही का नाम आ रहा है, कोई बात नहीं। मैसिमो बेंजी साहब ने किया था, 2005 में किया था। 22वां नंबर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अर्डिनो बोर्ड इज अर्डिनो ड्यूमिलियोनो, अर्डिनो डेसिमिलिया, अर्डिनो डेंजी रेफसी या अर्डिनो यूनो। तो मैं बता दूं बच्चों, आपके कोर्स में चुकी अर्डिनो यूनो है बच्चों, अर्डिनो यूनो है, इसलिए मैं अर्डिनो यूनो मतलब जानते होता है अकेला सिंगल, और यूनो तुम्हारा इटली का टर्म है। क्या है? इटली का टर्म है, याद रखिएगा, आपके कोर्स में यही है अर्डिनो यूनो। ए आर पी एफ स्टैंड्स फॉर एनालॉग रेफरेंस, एंकर रेफरेंस, अर्डिनो रेफरेंस या नन ऑफ दीज? 23 नंबर। बताओ सब लोग, ए आर पी एफ का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा एनालॉग रेफरेंस, और कोई नहीं। तो 23 का पहला लगाओ, बढ़ो। बताओ अर्डिनो में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है जिसके द्वारा हम लोग वो करते हैं ना, अपने स्केच का निर्माण करते हैं। अर्डिनो में जो फाइल बनाते हैं अर्डिनो आईडी से, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्केच। याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं ये, मैं जो नहीं है पेपर में वो भी बता रहा हूं। स्केच बनाते हो, और स्केच का जो एक्सटेंशन होता है बच्चों, वो .ino होता है। क्या होता है? .ino। और इस प्रोग्राम में इस क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा सी, एम्बेडेड सी। पाइथन से करते नहीं हो, जावा से करते नहीं हो, फोर्टान होती नहीं है, सी होगा। 25 नंबर, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एनी इंडिविजुअल, ऑडिटिंग, ऑथराइजेशन, ऑथोनाइटिकेशन, अकाउंटिंग। किसी इंडिविजुअल के आइडेंटिफाई को क्या बोलते हैं? वैसे बोलते तो ऑथेंटिकेशन है, लेकिन इसको इस दिया भी है, लेकिन स्पेलिंग गलत दी है बच्चों। ये देख लो, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका सही है, ये वाला, लेकिन स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मैंने वैलिडिटी की जांच करना, क्या करना? वैलिडिटी, ठीक है, कोई बात नहीं है। तीसरा ऑप्शन लगाइए और आगे बढ़ चलिए। प्रोसेस ऑफ कीपिंग ट्रैक्स ऑफ यूजर एक्टिविटी, बच्चों यूजर्स की एक्टिविटी को ट्रैक करने को क्या कहा जाता है? प्रोसेस ऑफ कीपिंग, ऑथेंटिकेशन, ऑथरिंग, ऑथराइजेशन या अकाउंटिंग? 26 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। तीसरा लगाइए, चौथा इसका आंसर कर दीजिए, अकाउंटिंग। माने सारा डेटा ऑडिटिंग करना, जांच करना, सब उसमें आ जाएगा। सीक्रेट वर्ड्स और नंबर्स यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइसेस इज कॉल्ड, बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीक्रेट शब्दों को जो आपके
डिवाइस को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या बोलते हैं आप, दुनिया जानती है, बायोमेट्रिक है नहीं, प्राइवेट डेटा है नहीं, बैकअप है नहीं, पासवर्ड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इसको कहा जाता है तुम्हारा पासवर्ड। 27 के बाद 28 नंबर पे आइए, नॉर्मल टेक्स्ट से कोडेड फॉर्म में चेंज करना, इसको क्या कहते हैं, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, लॉकिंग, रजिस्टरिंग, इंक्रिप्शन कहते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट से कोडेड फॉर्म में बदल दिया, इंक्रिप्शन हो गया। पहला ऑप्शन सही होगा, मैं बोलता जा रहा हूं। विच कॉन्सेप्ट डिटरमाइंस व्हाट रिसोर्सेज यूजर कैन एक्सेस आफ्टर द लॉगिंग। लॉगिन करने के बाद बच्चों, लॉगिन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये क्या बताता है? ऑडिटिंग बताता नहीं, एक्यूटेशन बताता नहीं, ऑथेंटिकेशन नहीं, एक्सेस कंट्रोल होगा। या तो इसको बच्चों एक्सेस कंट्रोल कहेंगे या तो इसको ऑथराइजेशन कहेंगे, दोनों में से कोई एक चीज कहेंगे। 30 नंबर पे आइए, इसमें से कौन सा है मोस्ट फेमस है, मिराई बॉटनेट, शिफर, स्टक नेक्स्ट। मिराई बॉटनेट सर जी बहुत ही पॉपुलर हैक है, मिराई बॉटनेट बहुत सारी जगहों पर मिराई बॉटनेट ने परेशान किया है। 30 नंबर के बाद 31 नंबर में आइए, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर विच एफेक्ट्स द कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा एक बाहरी कारक नहीं है जो संचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है, बताइए क्या नहीं है। प्रश्न नंबर 31 है आपके सामने, 31 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। टाइम, लैंग्वेज, कल्चर या कंट्री। बच्चों लैंग्वेज संचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता, तो करेक्ट आंसर होगा 2। बताइए एन ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक की उपस्थिति कब जरूरी है, किस तरह के निगोशिएशन में, फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, फ्रेंडली में या प्रोफेशनल में। प्रश्न नंबर 32 का पहला, फॉर्मल में। फॉर्मल का मतलब जो ऑफिशियल होता है, किसी भी ऑफिशियल वर्क में एक पर्यवेक्षक यानी थर्ड पार्टी रहेगा, तो अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो उसको भी, उसकी भी जिम्मेदारी बनेगी, कोई अपनी बात से मुकर नहीं सकता, तो ऑफिशियल या फॉर्मल में होने की जरूरत है। 1 नंबर सही है इसका आंसर बच्चों। हेड मूवमेंट्स आर सिंबोलिकल अंडर द कैटेगरी ऑफ गेस्चर्स, हियर वायरिंग हैंड्स में सिंबोलाइज। बताइए हाथ की गति काइनेटिक्स के इशारों की श्रेणी के तहत प्रतीकात्मक है, यहां हाथ फेरना का प्रतीक हो सकता है, किसका, बोरेडम का, डेविएशन का, डिस्कम्फर्ट का, नन ऑफ दीज का, बताओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 का करंट करेक्ट क्या आंसर होगा, 3। द करेक्ट आंसर ऑफ 33 इज 3rd, डिस्कम्फर्ट। वॉयस मेल किस तरह की बातचीत है, वॉयस मेल, प्रॉक्सिमिक्स, टेलीफोनिक, केनाइसिस या नन ऑफ दीज। 34 का आंसर बताइए बच्चों, टेलीफोनिक होगा, वॉइस मेल है तो जाहिर सी बात है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है और कुछ नहीं होगा। तो 34 का 2 नंबर लगाइएगा। व्हाट वेज कैन बी यूज्ड टू मेक रिपोर्ट्स मोर, ये आपका लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन है जिसमें कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड चीजें बच्चों डिस्कस हुई हैं या बताई गई हैं। तो पैराग्राफ लिखते समय रिपोर्ट को अधिक व्यापक बनाने के लिए किन तरीकों का, मेंटेनिंग यूनिटी एंड कोहेरेंस थ्रू आउट, एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडिफायर्स, मेकिंग पैराग्राफ दिस ऑपरेशनली लेंथी, नन ऑफ दीज, बताइए। प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर होगा मेंटेनिंग यूनिटी एंड कोहेरेंस थ्रू आउट। पहला एक जवाब दे दीजिए, कमेंट पूछ रहे हैं बच्चा, मेंटेनिंग यूनिटी एंड कोहेरेंस थ्रू आउट। 36वें प्रश्न पे आइए, प्रॉपर नॉलेज ऑफ सॉफ्ट स्किल इज नेसेसरी,
टू अचीव सक्सेस, बिल्कुल निश्चित तौर पे सॉफ्ट स्किल आपकी सफलता के लिए क्या है, आवश्यक है। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड इस फेमस स्टेटमेंट अबाउट सक्सेस बाई स्वामी विवेकानंद। बताओ भाई क्या ये कथन सत्य है कि असत्य? 36 नंबर प्रश्न दिया है बच्चों, क्या होगा इसका? ट्रू है, बिल्कुल 100% ट्रू है। इसके बाद अच्छा यहां से ये सेट आपका बच्चों समाप्त हो गया है। तो बच्चों आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ देर में धीरेंद्र सर आ रहे हैं और वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन करेंगे, तो कहीं मत जाइए, 5 मिनट का गैप लीजिए और पानी पी के आइए। और हाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, जो भी चारों पेपर, हाँ पासिंग प्रोसेस बता दे रहा हूँ, जो भी चारों पेपर बच्चों आपको अभी डिस्कशन हुआ है सबका PDF भेज दिया गया है आपके टेलीग्राम चैनल ओ लेवल विथ रत्नाकर सर पे, तो बिल्कुल आइए और जुड़िए हमारे साथ। और बच्चों आपने पूछा पासिंग परसेंटेज क्या होता है, तो आइए देख पासिंग कैसे होगा थोड़ा समझ लीजिए। जनरल रूल पासिंग का क्या है, 2 मिनट में मैं बता दे रहा हूं। देखिए आपका मान लीजिए आपने कोई एक मॉड्यूल दिया M1, तो M1 का आपने प्रैक्टिकल दिया, M1 का आपने थ्योरी दिया, ठीक है, थ्योरी दिया, ठीक है, प्रैक्टिकल आपका 100 नंबर का, थ्योरी 100 नंबर की। अगर आप 100 में यहां पाते हैं 70 नंबर प्रैक्टिकल में और थ्योरी में पाते हैं 60 नंबर मान लीजिए, तो 70 का 40% जुड़ेगा और 60 का 60% जुड़ेगा, यानी 70 का 40% कितना हो गया, 28 नंबर यहाँ का हो गया और 60 का 60% बच्चों 36 नंबर ही हो गया, तो 28 प्लस 36 आपका जो योग होगा तो हो गया 30 20 50 और 8 6 14, टोटल हो गया 64 नंबर, आप हो गए पास, आपकी ग्रेड 64 पे बनेगी। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल या थ्योरी में से किसी में भी एक में कम नंबर पाए, यानी 50 से कम हो गया मार्क्स, अब बच्चों आप फेलियर माने जाएंगे और आपको फिर से दोनों पेपर में देना होगा, या आपने बच्चों किसी एक पेपर का एग्जाम छोड़ दिया और दूसरा दे रहे हैं तो आपको दोबारा बच्चों फिर से अपीयर होना पड़ेगा, बिना अपीयर हुए काम चलने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत सी जनरल सी बात है जिसको मैंने आपको बता दिया और आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ भी गया होगा। तो इस उम्मीद के साथ हाँ कल क्लास है, कल फिर आपका मैराथन की क्लास होगी बच्चों, ठीक है, फिर से रहेगा, कहीं मत जाइएगा, जिसमें कि आपको 6 बजे से 6 to 9 आपकी चलेगी, जिसमें चारों पेपर्स IT, वेब, IoT और पाइथन, इन सब की क्लासेस होंगी बच्चों, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। रत्नाकर सर तो क्लास ले ही चुके हैं, धीरेन्द्र सर अब आने वाले हैं, तो 5 मिनट का इंतजार कीजिए और वेट कीजिए, वो बहुत जल्दी आएंगे। तो मैं अब आपसे बच्चों विदा लेता हूँ, काफी लंबे समय से आपके साथ जुड़ा रहा मैं और आशा करते हैं कि आपको निश्चित तौर पर बच्चों समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय हिंद, कहीं मत जाइए, वेट कीजिए 5 मिनट।
मित्रों, एक बार फिर से अपने परिवार में सबका स्वागत है। चलिए हम लोग एकदम रेडी हो जाते हैं अपने टॉपिक को लेके एकदम जबरदस्त मैराथन में। जैसा कि आप लोग बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि एग्जाम कब होने वाला है, ओ लेवल का बहुत परेशान थे। जब जुलाई में पेपर नहीं हुआ तो कुछ बच्चे कहे गुरुजी लगता है कि अभी नहीं होगा क्या, हमने कहा नहीं भाइयों, ठीक है, बिल्कुल आप लोग एकदम रेडी रहिए, पेपर कभी भी हो सकता है। और देख लीजिए वही कथन सही हुआ कि अगस्त में एग्जाम की डेट आ गई। तो मैं पूरा विश्वास यही करता हूँ कि हमारे सभी प्यारे बच्चों हर एक चैप्टर हर एक चीजों को अच्छे से पढ़ लिए होंगे, जिनका दो पेपर है दो पेपर की तैयारी अच्छे से कर लिए होंगे, जिनका तीन पेपर है तीन पेपर का, जिनका चारों है चारों पेपर का, ठीक है। आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? हाँ, ये क्वेश्चन था हमारा कि जिनका जितना भी पेपर होगा वो सभी पेपर आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। दो से तीन दिन में हम बहुत कुछ तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूंगा। शायद M2 R5 में आप लोगों का यहीं से कल्याण हो जाए। मतलब M2 R5 हमारा जो सेशन है, आपको पता होगा M2 R5 क्या है, आपका वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग है। इस पेपर को आपने जो भी पढ़ा होगा, क्योंकि अब थ्योरी का टाइम नहीं कि हम आपको थ्योरी पढ़ाएं, जो भी आपने जहां से भी पढ़ा होगा, ऑनलाइन पढ़े हो ऑफलाइन पढ़े हो, या सपोज दैट मान लीजिए आप लोग कहीं से भी कुछ पढ़े हो, उसी को आप तैयार रखिए। क्योंकि अब दो तीन दिन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, दो तीन दिन में सिर्फ हम रिवाइज कर सकते हैं और अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, चलिए हमारी बात को ध्यान से सब लोग सुनते रहिएगा और जबरदस्त आप लोग क्लास में बने रहिएगा। दो तीन दिन में मैं आपको एक शॉर्ट नोट के बारे में बताने जा रहा हूँ, पूरा M2 R5 तीन दिन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको देखना है। चलिए सुन, आपको सबसे पहले M2 R5 की कहानी क्या है। ये पेपर हमारा वेब डिजाइन एंड पब्लिशिंग है। ये पेपर हमारा क्या है, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग है। इस पेपर को आप लोग पढ़े होंगे, इस पेपर को सब लोग क्या होंगे, पढ़े होंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा अंदर से डर होगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा। सबसे बड़ी खुशखबरी है कि लिखना नहीं है, अब आप लोगों को कोई भी चीज लिखना नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एकदम जबरदस्त तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करना है, ठीक है। बिल्कुल आकाश जी, हमारे बहुत सारे प्यारे साथी जुड़ चुके हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा, सौरभ जी हैं, आकाश हैं, शिवम हैं, ठीक है, आकाश कुमार हैं, निशा जी हैं, ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। और बिल्कुल ये टास्क को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आप लोग बने रहिए, ज्यादा नहीं एक घंटे के लिए बहुत सारी चीजें आपको हम समझाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक यही है, आइए शुरुआत करते हैं। ओके, बिल्कुल, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होगा, आइए सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट। पहले चैप्टर, पहला चैप्टर का एक टॉपिक आया है इंटरनेट, बहुत ज्यादा मोटी है, थोड़ा सा पतला कर दें। हाँ, सबसे पहला टॉपिक है इंटरनेट। कौन सा टॉपिक है, इंटरनेट। इंटरनेट से क्वेश्चन आपको क्या क्या मिलेंगे, सबसे पहले पॉइंट नोट करिएगा, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। सब लोग हिस्ट्री जरूर पढ़िएगा, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, कहां हुई थी, सबसे पहले इंटरनेट कहां लगाया गया था, ये सारी कहानी आप लोगों को पढ़ना है। जैसा कि सब लोग नाम जानते होंगे, 1969 में
यूएसए में डिफेंस सेक्टर में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। ओके, ये पॉइंट आप जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंटरनेट से क्वेश्चन पुटअप होता है, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे प्रोटोकॉल के बारे में। इंटरनेट में प्रोटोकॉल क्या होता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, ये सभी जानकारी को आपको विधिवत पढ़ना है। प्रोटोकॉल क्या होता है सबको पता है ना, सेट ऑफ रूल्स, नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा गया। विदाउट प्रोटोकॉल आपका इंटरनेट वर्क नहीं करता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोटोकॉल का नाम पूछा जाता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। अगर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात होगी तो कौन सा प्रोटोकॉल होगा? जिसका नाम है टीसीपी और आईपी। जिसका नाम क्या है? टीसीपी और आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आई बात समझ में? बिल्कुल, इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये दोनों आपके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के नाम है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा एचटीटीपी। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नोट करते रहिएगा। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईएमएपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओके, ऐसे बहुत प्रोटोकॉल के नाम है जिसे आप लोग याद करिएगा। यूडीपी यूजर डेटाग्राम
यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, तो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन बन सकता है, किसी का पूरा नाम पूछा जा सकता है, प्रोटोकॉल का कार्य क्या होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का नाम पूछा जा सकता है। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आईओटी तो अभी आपको नितिन सर पढ़ाए होंगे ना, आईओटी भी में जो आपका टॉपिक है उसको नितिन सर बताए होंगे क्या क्या आपको पढ़ना है। पहले इसको देख लीजिए, फिर आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। अच्छा, सबको हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग में जो आपको मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं ना? अब मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा बाबू सौरभ आकाश, ठीक है पप्पू। हाँ चलिए, तो इस तरीके से मैंने आपको प्रोटोकॉल बता दिया। अब आपको आईपी एड्रेस भी क्वेश्चन बन सकता है, आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस, अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस क्या होता है, कितने क्लास में आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और आईपी एड्रेस कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आईपी एड्रेस की बात करें, इसके दो पॉइंट हैं, IPv4 IPv6। ये हमारा 32-bit है, 128-bit है। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कितने बिट का होता है, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कितने बिट का होता है। ओके, बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं? ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके क्लास के बारे में क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्लास बाबू, जो क्लास की बात होती है इसमें 5 क्लास होते हैं, 5 क्लास, जिसमें नाम आपको मिलता है ए बी सी डी, ये 5 क्लास के नाम है। वैल्यू इसमें 0 to 255 होती है। फटाफट नोट करो। चलिए, अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, वेब ब्राउजर किसे कहते हैं, या कोई वेब ब्राउजर का नाम दे दिया जाए उसको पहचान करना है। नोट करते रहिएगा सब लोग, क्वेश्चन बनता है वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, वेबसाइट, URL, बैक एंड, फ्रंट एंड, ओके, ये सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये सभी प्रकार के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
खूब पढ़ लीजिएगा, पहले चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा जरूर। इस समय वर्तमान में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वेबसाइट स्टैटिक है कि डायनेमिक है, या किस वेबसाइट का प्रयोग किया जा रहा है? जैसा कि आपने डायनेमिक वेबसाइट का नाम सुना होगा, ओके, इसे आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा और पहला चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इतना टॉपिक कम नहीं है, इतने कम समय में बस इतना आप रिवाइज करिएगा, अगर क्वेश्चन बना तो 100% सही करोगे। यार तुम लोग मैसेज नहीं कर रहे हो बाबू, कमेंट नहीं कर रहे हो, इसलिए मनोबल थोड़ा सा बढ़ नहीं रहा है। एनर्जी गुरुजी देखिए लास्ट क्लास ले रहे हैं, 9 से 10 लाइव ले रहे हैं, इसके पहले गुरुजी बहुत सारी क्लास ऑफलाइन लेके आ रहे हैं, तब भी एनर्जी आपकी हमारी कम नहीं है क्योंकि बच्चे एकदम बढ़िया लगे रहे हैं। लेकिन तुम लोग क्या हो, एकदम जैसे लग रहा है कि मैं ये जैसे हो गए हो क्लास में, ना तो कोई मैसेज, ना तो कोई कमेंट, ना तो जैसे लग रहा है कि बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, इस तरह से हमारी बात को ध्यान से सुने। बस मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कराने आया हूं, जिसको आप लोग को रिवाइज करना है, पढ़ना है। बाबू सब कुछ पढ़े हो, अगर हमसे पढ़े हो तो सारा चीज हमने इसको पढ़ाया था स्टार्ट में। बाबू एमसीक्यू क्वेश्चन सौरभ हो गया है और इसका जो नोट्स है वो आपके टेलीग्राम में पीडीएफ पहुंच चुका है। टेलीग्राम आप लोगों को पता होगा, ओ लेवल विथ रत्नाकर सर, इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए बाबू ये हाँ ठीक है, चलो अब इसके बाद सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन क्या पुट अप हो रहा है। एडिटर है चैप्टर का नाम, एडिटर में आपको क्या क्या मिलेगा, एडिटर में क्या क्या मिलेगा उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले एडिटर एप्लीकेशन के नाम, एडिटर एप्लीकेशन के नाम, एडिटर एप्लीकेशन नेम, चलिए फोटो एडिटर नहीं बाबू, फोटो एडिटर तो लास्ट चैप्टर आप बता रहे हो, मोनली एडिटर की बात कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर, चैप्टर नंबर सेकंड, इससे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा नोट पैड, याद रखिएगा वर्ड पैड, सबलाइन टेक्स्ट, ईमैक्स, वाइबिम, इसे आप याद रखिएगा। बाबू एक एक चीज पढ़ रहा है, कच्चा कैसे हम बता देंगे। हाँ नोट पैड प्लस प्लस भी है, इसी का वर्जन है। एक दिन में हम क्या क्या बता देंगे बताइए,
पाइथन बता दें कि आईओटी बता दें कि वेब डिजाइनिंग बता दें कि आईटी बता दें, क्या बता दें भाई, एक एक चीज लेके चलो ना, हम सब बताएंगे बिल्कुल। चलो इतना मैंने आपको पॉइंट बताया, इसको याद करिएगा। अब क्वेश्चन बनता है नोट पैड का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, या कह सकते हैं नोट पैड में जब फाइल को सेव करते हैं, तो फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .txt .txt होता है। वेरी गुड सौरभ जी, नोट पैड का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .txt होता है, यानी टेक्स्ट फाइल होती है। क्या होती है, टेक्स्ट फाइल होती है। नोट पैड को ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं, और नोट पैड में इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाएगा मेनू बार क्या होता है, कौन कौन से मेनू बार मिलते हैं, जैसा कि नाम आपने सुना होगा फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, फॉर्मेट मेनू, हेल्प मेनू। हाँ बाबू प्रिया, आप कास्ट पीडीएफ मिलेगा, कहाँ आपसे पैसा मांग रहे हो। फाइल मेनू को एक्टिवेट करने के लिए एएलटी प्लस, या एडिट को एएलटी प्लस ए, व्यू को एएलटी प्लस वी, फॉर्मेट को एएलटी प्लस ओ, हेल्प को एएलटी प्लस एच। ओके कहने का मतलब ये हुआ, इतना सारा मेनू जो आपको दिख रहा है सबकी शॉर्टकट की कभी भी एक नंबर में आ सकता है। ओके इसको नोट कर लीजिएगा, किसी भी फाइल मेनू का या किसी भी मेनू बार का शॉर्टकट की आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जी बताएं। हेलो सर बताएं। हाँ आहिल अजूबा बताइए बाबू, क्या बात है। चलिए सेकेंड चैप्टर में बस एक दो क्वेश्चन जब मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा जबरदस्त तरीके से, पढ़ लीजिएगा शॉर्टकट की वगैरह। ओके अब आगे बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर की बात करें HTML बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग पढ़े भी होंगे। हम कब से क्लास देते हैं, मतलब बाबू हमारा टाइमिंग ये जो मैराथन का लगा है अभी आपका इवनिंग में, ठीक है। हाँ हमारा जो सेशन है वो 9 बजे से, बाकी हमारी क्लास 4 बजे से स्टार्ट होती है, 4 से 9। यस ठीक है, अच्छा हाँ बिल्कुल 6 से 9 हमारी जो क्लास चलती है, 6 से 9 का टाइमिंग है,
यही क्लास आपको मिलेगी। ओके हाँ, टाइमिंग आपको मैंने बता दिया शाम को इवनिंग में 6 to 10 PM, ठीक है। हाँ लगभग 10 PM तक की क्लास रहेगी, 4 घंटे की क्लास होगी। ओके तो टाइम को लेके अगर किसी को डाउट है तो आप देख लीजिएगा, टाइम लिखा हुआ है। मैराथन की जबरदस्त क्लास है। चलो HTML जिसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है बाबू, ये आप लोगों का प्यार है कि मैं आप लोगों के सामने बहुत अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। ठीक है, समझाने का तरीका है, आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग बस अच्छे से वो लेवल एग्जाम को क्वालिफाई करें और हमसे जितना हो पाएगा मैं अपना 100% आपको 2-3 दिन में देने वाला हूँ। हमारी तरफ से कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना हो, बाकी आप तैयारी खुद से करिए अच्छे से। चलो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह हमारा एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, यदि आपने एक ही चैप्टर को तैयार कर लिया तो पास आप इसी चैप्टर से हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो खाली बाबू आपको ही क्लास अच्छी लग रही कि सबको लग रही, कमेंट तो किसी का नहीं आ रहा है। हमारी जो क्लास है सबको हमारी समझ में आ रही कि बस खाली 1-2 बच्चे कमेंट करें सर बहुत अच्छी क्लास है। मैसेज कमेंट दिखना चाहिए तब गुरुजी को पता चलेगी हाँ सारे बच्चे हमारे अच्छे से पढ़ रहे हैं। बोलो भाई मैसेज करते रहिए। चलो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार का वेब डिजाइनिंग क्या है लैंग्वेज है या वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है, जिसका यूज वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। यानी HTML की शुरुआत 1991 में, HTML की शुरुआत 1991 में हुई थी। इसके बहुत सारे वर्जन अपडेट किए गए, बाबू अर्पण गुड इवनिंग, बहुत दिन बाद आज मुलाकात हुई आपसे, ठीक है, बहुत दिन बाद आपका मैसेज आया, बहुत खुशी मिली। हाँ इसके बहुत सारे वर्जन दिए गए हैं। HTML का फर्स्ट वर्जन है, पहला वर्जन है HTML 2.0। ओके HTML 2.0, उसके बाद आपका 3.0, 4.0 XHTML, HTML 5, ऐसे बहुत वर्जन इसमें अपडेट किए गए। आज वर्तमान में 2014 से लेके अब तक HTML 5 का यूज हो रहा है। ओके हाँ आकाश बाबू मैंने बता दिया HTML 5 भी वर्जन है, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन पे काम हो रहा है इस समय, जो कि 2014 में डेवलप किया गया और आज भी इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ओके चलिए इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो वर्जन आप लोग समझ गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम आपको बात बताने वाले हैं HTML टैग, किसकी बात बताएंगे, HTML टैग की बात बताएंगे।
हाँ बाबू बता दिया 2014 एसएमएल टैग के बारे में हम बताना आपको चाहेंगे। टैग से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे टैग से, ठीक है? बात समझ में आई? ओके चलिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। टैग क्या होता है? टैग का एक नाम और होता है बाबू, जिसे कीवर्ड के नाम से जानते हैं। टैग का दूसरा नाम है कीवर्ड। बहुत प्रकार के टैग होते हैं, जैसे हम लोग एचटीएमएल में किसी भी अगर टेक्स्ट को अप्लाई करते हैं या टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग लगाते हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको हर टैग के बारे में पता होना चाहिए। टैग क्या होता है? टैग को हम लोग हमेशा एंगुलर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। टैग जब भी डिफाइन होता है, टैग का सिंबल यही होता है। आपसे पूछा जाएगा टैग को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपको सिंबल याद रखना है एंगुलर ब्रैकेट ओपन एंड एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, एंगुलर ब्रैकेट ओपन एंड एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, यही टैग का सिंबल होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, जितना टैग ओपन करेंगे वो सभी टैग क्लोज भी करेंगे, जितना टैग ओपन करेंगे वो सभी टैग क्लोज भी करेंगे। यानी कहने का मतलब बाबू ये हुआ, अगर हम एस्टिमेट टैग लिखे हैं तो लास्ट में एस्टिमेट टैग क्लोज भी होगा। ओके लेकिन टैग का जो टाइप है बाबू, एक कंटेनर टैग है और एक एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग में मेन डिफरेंस क्या है, बस इसी की शुरुआत हम बताएंगे आपको। कंटेनर टैग एक ऐसा टैग है जो ओपन भी होता है और लास्ट में क्लोज भी होता है, और एम्प्टी टैग वो टैग है जो ओपन तो होता है लेकिन क्लोज नहीं होता है। जैसे जैसे बीआर टैग एम्प्टी टैग होता है। कैसा टैग होता है? एम्प्टी होता है। आईएमजी टैग एम्प्टी होता है, लेकिन बी टैग ये कंटेनर टैग होता है, आई टैग कंटेनर टैग होता है, यू टैग कंटेनर टैग होता है। बोलो भाई सबको बात समझ में आ रही है ना? हाँ, बस ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे बाबू, और क्या क्वेश्चन कहीं बाहर से थोड़ी ना आएंगे। बस जितना तुम लोग पढ़े हो बस उसी को मैं आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज करा दे रहा हूं, एकदम 100% आपको पास हो जाएंगे। हाँ, एचआर टैग भी एम्प्टी टैग में ही आता है। हॉरिजॉन्टल रूलर की बात कर रहे हो, एचआर का पूरा नाम होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। क्या नाम होता है? हॉरिजॉन्टल रूलर नाम होता है बाबू। चलिए तो इसी के साथ मैंने आपको ये सारे टैग के बारे में बताया है और समझाया है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप टैग से हमसे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। सबका कमेंट एक साथ आना चाहिए। अभी जितना मैंने आपको टॉपिक बताया शुरू से अंत तक, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल बता देना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि गुरुजी आपको जो चीज पढ़ाएंगे एकदम सॉलिड पढ़ाएंगे।
अच्छा हमारा समझ में आ रहा है ना, बताया हुआ, ठीक, बहुत अच्छी बात बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम चलते हैं, टैग में बहुत सारे टैग होते हैं, ठीक है, एक टैग हम आपको बताएंगे डियर। हाँ एक टैग आपको और बताएंगे, ओके, बहुत अच्छी बात है, टैग तो सब लोग समझ गए हो, आप लोग एचटीएमएल लिस्ट पढ़े हो ना, टैग तो जान गए, एचटीएमएल लिस्ट, जिसमें आपको यूएल टैग पढ़ाया गया होगा, ओएल टैग और डीएल टैग पढ़ाया गया होगा, ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ये क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, ओएल टैग और यूएल टैग और डीएल टैग, ठीक है। चलिए ओएल का मतलब क्या है, ऑर्डर लिस्ट है, यूएल का मतलब क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है, और डीएल का मतलब होता है डिफिनेशन लिस्ट। इसको पढ़ लीजिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एचटीएमएल टेबल आता है, जिसमें आपको टीआई टैग मिलेगा, टीएस टैग मिलेगा, डीवी टैग मिलेगा, अच्छा डीएल के बारे में बता दें बाबू, डीएल का टैग का मतलब होता है डिफिनेशन लिस्ट के लिए, जिसमें आपको डीडी और डीटी टैग भी पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल आपको बताएंगे। डीएल टैग में आपको एक डीडी टैग मिला और एक डीटी टैग मिला, पहले इस टैग को लगा के हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे एचटीएमएल लिखते हैं, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपको दिखेगा इस लिस्ट के फॉर्म में, ओके, लिस्ट के फॉर्म में आपको मिलेगा, यही हमारा डीएल का वर्क होता है बाबू। अच्छा सौरभ, समझ में आई बात, तो डीएल टैग में ये दो टैग आपके इनबिल्ट होंगे, ठीक है, हाँ, जैसे टेबल टैग में टीआर टैग, टीएस टैग और टीई टैग इनबिल्ट होते हैं। बाबू वाचिंग को बढ़ाए रहिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ये 3 दिन की क्लास आप लोगों का रामबाण है, बिल्कुल ध्यान रखना, रामबाण आपको 3 दिन में गुरुजी दे रहे हैं, और एकदम समझ लेना, एग्जाम टाइम में ये चीजें आपको बहुत फायदा करेंगी, चाहे आप पेपर दे के आएगा तब हमसे बताइएगा, और वाचिंग अगर कम करोगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारा काम है, मैं आपको 1 घंटा पढ़ाऊंगा यार, आप पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो अच्छी बात है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, तो लगभग एचटीएमएल में टैग खूब अच्छे से तैयार कर लेना, टैग के सारे नाम याद कर लेना, इसके बारे में बहुत सारी चीजें को पढ़ लीजिएगा, यानी लगभग आपका 50% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यानी ये 3 चैप्टर अगर तुम लोग तैयार अच्छे से कर लिए घर पर, मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोग पास हो गए। कल के क्लास में पूरा सीएसएस आपको हम डिस्कस करके बता देंगे, परसों की क्लास में पूरा हम आपको
फ्रेमवर्क और जेएस के बारे में बता देंगे, और नेक्स्ट क्लास लास्ट 20 तारीख को हम आपको फ्रेम आपका वेब पब्लिशिंग और फोटो एडिटर के बारे में बता देंगे। यही टारगेट हम लेके चल रहे हैं कि इतने दिन में आपको हम पूरी चीजें समझा देंगे ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। लेकिन बाबू लिखाने का टाइम नहीं है, समझाने का टाइम है। विधिवत आप लोग एकदम जबरदस्त तरीके से इसको पढ़िए, जो भी डाउट हो उसको आप हमसे पूछिए और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। अच्छा बिल्कुल प्रियांशी जी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, पास करने का तो पैटर्न भी चेंज हो गया है। आप लोग बिल्कुल डरिए मत, हमें पूरा विश्वास है। पहले आप लोग को 50% पाना था, अब आपको मात्र 33% पाना होगा, यही दोनों में अंतर हो गया है। बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आप लोग का बिल्कुल पूरा हक है क्वेश्चन पूछने का। पासिंग मार्क्स बाबू मात्र 33% आपको पाना है पेपर में, लेकिन दोनों मिला के आपको पास होना है। प्रैक्टिकल भी पास करना है और थ्योरी भी पास करना है, तभी पेपर आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, तो प्रियांशी जी आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आया, यानी पासिंग मार्क आपको 33% आना है, ठीक है। चलिए बिल्कुल 100 पे 33 नंबर पाना यार, बहुत आम बात है, सब लोग पा जाओगे मुझे पता है, बहुत तुम लोग मेहनत की हो यार, ठीक है। तो बिल्कुल सब लोग कमेंट करो, मैसेज करो। और आज मैं 3 चैप्टर तक आप लोगों से पूरी बात कर लिया हूँ। इन 3 चैप्टर में अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट आपको लग रहा हो तो अभी 5 मिनट समय हम आपको देंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको लगता हो पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट चैप्टर कल मैं शुरू करूंगा, और पता होगा गुरुजी लगातार 10 घंटा ऑफलाइन पढ़ा के आए हैं, बिल्कुल अब एनर्जी नहीं बची है क्योंकि अब बैटरी हमारी डाउन हो रही है। कल हम लोग मिलेंगे, फिर आगे बात करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल जिनका अच्छा हुआ है बिल्कुल थ्योरी भी अच्छा होगा, और बिल्कुल आप लोगों को घबराना नहीं है, माता सरस्वती का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर है, ये आपको हमेशा आपके लक्ष्य की तरफ आगे लेके चलेंगी। कहते हैं कि समुन्द्र की लहरों से नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। हाँ, IoT भी कल बता दूंगा बाबू, परेशान मत होना, IoT में मेन मेन टॉपिक बता दूंगा। बिल्कुल संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छे मार्क्स के आप लेवल पास करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपना अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और बिल्कुल आप लोग हमसे जुड़े रहिए और अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। तो कल अपने इसी समय इवनिंग में 9 o'clock पर मिलते हैं, 9 बजे, और लगातार आपका टॉपिक फिर से चलता रहेगा, ओके। चलिए तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही, बाकी कल मुलाकात होती है अपने टाइम से, ओके मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय।